हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अंतिम। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं, कौन से सेटेलाइट चैनल पर आपको ये वीडियो देखने को मिलेगी। इसके अलावा यूट्यूब पर चैनल पर आपको फिश निकाह से देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में फिल्म पर एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्ट कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अंतम द फाइनल ट्रुथ एक 2021 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी महेश मंजर यक्कर ने की है और इसे सलमान खान फिल्म ने प्रोड्यूस किया है। इसमें सलमान खान, आयुष शर्मा, महुमा अमवकना और जुसु संगीविता ने काम किया है। ये फिल्म की कहानी जो है ना, वो जी स्टूडियोज की तरफ से तकसीम किया गया। ये मराठी फिल्म मल्शी पैटर्न की मुवाफकत है और इस मूवी में आपको सलमान खान एक सिख के रोल में नजर आएंगे, जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे, और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के दरमियान होने वाले आमने सामने के गिर स्टोरी घूमती है। असल कहानी की तरफ नजर डालें तो इसमें किसानों के दरपेश मुश्किल हालात का पता चलता है, जो उनमें से कुछ को जन्म की तरफ धकेलता है। ये फिल्म थिएटर में 26 नवंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नागरिन और सामीन की तरफ से मस्त जायजे मिले, जिसमें शर्मा और खान की परफॉर्मेंस, कहानी, पस मंजर के स्क्वायर एक्शन सीक्वेंस और मंजर यक्कर की डायरेक्शन की तारीफ की। अगर इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान बतौर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सिद्धू के रोल में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा बतौर राहुल के रोल में आपको नजर आएंगे, मेमा मकवाना बतौर मुंडू चारे राहुल की मोहब्बत की दिलचस्पी में नजर आएंगे, महेश मंजर यक्कर बहसियत सत्युवान मफीतू व चारे के रोल में आपको नजर आएंगे, जुस्तु संगवता बतौर पीतिया बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, निकितन धेर बतौर ध्या बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, सचिन गीत जक्कर बतौर दाताराम पटल राहिल के वालिद, छा यकदम बतौर धोपी पाटल, रोहित हलिद यक्कर बतौर गिनिया गोपाल, सिद्धि दिलवी बतौर सेमा पटल, प्रेम धर्मा ध्योकारी बतौर सरदार सुद्धू, इसके साथ सियाजी शुद्धे बतौर हेड कांस्टेबल आधे नोरवे एंड वालू स्पॉटी सासु बतौर चिंगारी के रोल में आपको नजर आएंगे। अगर इस फिल्म की स्टोरी पर नजर डालें तो हमें ये स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये दास्तान एक आम आदमी किसान की जिंदगी के बारे में है, जहां वो अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेत मजदूरी के तौर पर काम करने पर मजबूर है। ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुलिया पाटल के गिर्द घूमती है। इसके वालिद दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और वो अपनी जमीन में चौकीदार के तौर पर रह रहे थे। एक दिन जमींदार शांडे दत्ताराम और राहुलिया को मारता है वो अपनी जमीन वापस ले ले। जल्द ही इसका खानदान पुणे शिफ्ट हो गया, जहां दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी में पोल्टर के तौर पर काम करते हैं। एक दिन मकामी गुंडे एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती पैसे बटोरते हैं। राहुलिया ने इन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया। वहां इसकी मुलाकात नानिया से होती है, जो कि मकामी
MLA की हिमायत से एक ताकतवर गैंगस्टर है। राहुलिया जेल से रहा होने के बाद नानिया के हाथ मिलाते ही इस दौरान इसे एक चाय बेचने वाले मुंडा से भी मोहब्बत हो जाती है। राहुलिया ने जल्द ही गलती से मेयर को कत्ल करने के बाद अपना नाम कमा लिया और नानिया ने गवाहों को झूठी शहादतों के साथ कत्ल को खुदकशी के तौर पर मन घट करके इसे दोबारा जमाना दे दी। राहुलिया अपनी नई शर्त के साथ सब्जी फरोशों के मसाइल को हल करने के लिए यह वादा करके वो मौजूदा कीमतों से ज़्यादा कीमतों पर इनके मसनूआत खरीदेंगे। अगरचे दुकानदारों की तारफ से इसकी तारीफ की जाती है लेकिन दत्ताराम इसे मुस्तरद करता है। जल्द ही राहुलिया नानिया के गैंग में एक अहम रुकन है। एक दिन पीतिया और दिया ने नानिया से शिकायत की कि वो राहुलिया के मास्टर जी की मलकियत वाली जमीन को जम करने में नाकाम रहे। राहुलिया अपना जाति स्कोर तय करता है और मास्टर जी को अपने खानदान के सामने गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नानिया मास्टर जी के चचा को कत्ल के तौर पर पेश करके इसकी जमानत देता है। राहुलिया को इसके खानदान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इसे अपने घर से निकाल दिए है। अगरचे मुंडा को राहुल से डर लगता है लेकिन वो मानती है कि वो बेकसूर है। एक दिन नानिया ने राहुलिया को अपनी सालगिरह की तकरीब में मदऊ किया। एक मोड़ में राहुलिया ने इसे उस रात कत्ल कर दिया ये मानते हुए कि इसने अपनी माँ और बहन को जिनसी तौर पर पेशगोई की है। एस आई रजवेर सिंह कत्ल का गवाह है। जिस्मानी झगड़े के बाद राहुलिया को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद उस जमान पर बाहर आता है। राहुलिया अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई इससे डरता है। एक रात एक परीटीन एजर सरदात उर्फ सिद्धू राहुलिया से मदद के लिए मिलने आता है। राहुलिया ने इसे अपने भाई के तौर पर गोद लिया। तरेसना रजवेर राहुलिया के खानदान इन पर तरस खाता है और कानून के हाथ में लेने पर राहुलिया को संगीन नतीजे से खबरदार करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजवेर ने अब गैंगस्टर की किस्मत अपने ऊपर छोड़ने का फैसला किया ये जानते हुए कि एक दिन एक दूसरे से गैंग को मारने पर सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। वह गैंग के दोनों अरकान को एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर कत्ल करके बैन गिंग दुश्मनी को मजीद तेज करता है। राहुलिया अगरचे एक अमीर आदमी खुद को तनहा महसूस करता है। जैसे ही वो बाजार जाता है दत्ताराम इसे हकीर समझता है। मुंडा के वालिद मुफीतो भी राहुलिया पर चीखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में राहुलिया ने इसे मारा। मुंडा फिर राहुलिया को मारता है और इसके साथ टूट जाता है। राहुलिया और भी खौफनाक गुंडा बन जाता है और वो भत्ताखोरी शुरू कर देता है। बहुत से लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। वो दत्ताराम की ज़मीन पर नज़रें फेर लेता है और शंडे को मार कर अपना बदला लेता है। एक पर जोश राहुलिया ने दम दत्ताराम को खबर शेर की लेकिन राहुलिया के ज़बरदस्ती तरीकों की वजह से वो हमेशा की तरह खुश नहीं है। ज़मीन की एक बस्ती के दौरान वो एक खुशकुन खानदान से मिलता है जहां बाप को अपने बेटों की कामयाबी पर फख्र होता है। ये सुनने के बाद राहुलिया का अब दिल बदल गया है। जैसे ही वो बाजार में वापस आता है दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने को कहता है और वो सियासत में शामिल हो जाता है। दत्ताराम का कहना है कि इसके पास अपने तरीके सवारने के बहुत से मौके थे लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही राहुलिया जाने वाला है मकामी MLA को राहुलिया के सियासत में शामिल होने की इत्तला मिली और इतिया और दिया को राहुलिया को कत्ल करने का मशवरा दिया।
वनैका चितरती के दिन अजवेर ने एमएलए को इनकाउंटर करके मार डाला और दोनों ने इसे कत्ल करने के लिए पुणे की सड़कों पर रोहलिया का पीछा किया। रोहलिया ने जल्दी से सुद्धू को फोन किया और इनसे सबको मुतला करने को कहा। सुद्धू और रोहलिया बाजार पहुंच गए। दर इसने दत्ता राम भी कॉल करके राजुवेर को वाकया से आगाह करता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। रोहलिया अब छुप कर बाहर आती है और वो दोनों दिया पितिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। इसने दोनों दिया पितिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। इसने इनकशाफ किया कि वो मास्टर जी का पोता है और इसने बाजार में रोहलिया को कत्ल करके अपनी मरती हुई माँ से अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया था। इसके बाद राजुवेर का मुकाबला होता है और पितिया दिया को मार डालता है। जैसे ही रोहलिया की लाश का आखिरी रसूम होने वाला है, हर कोई रोता है और दत्ताराम भी दिली से हंसता है, क्योंकि इसे कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए रोहलिया के अल्फाज याद दिलाए जाते हैं। जैसे ही राजुवेर चलाया जाता है, वो सोचता है कि रोहलिया को 300 एकड़ के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 6 फुट जमीन की जरूरत। और दोस्तों, इस फिल्म को इसने डायरेक्ट किया है, उनका नाम है महेश, ओके, महेश मंजर जी कर। एंड इसको राइटर जो है ना, वो डायरेक्ट उन्होंने किया और राइटर भी उन्होंने किया, वाला इसका साथ दे रहे हैं अभिजीत और इसके साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ सलवी। इसमें जो स्टोरी जो है ना, वो इस मूवी की जो स्टोरी है वो है परवीन ट्रेड की, बेस्ड ऑन बुलशी, एंड इसके साथ बुलशी पैटर्न बाई परवीन ट्रेड, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान। और इसमें जो है ना, सलमान खान मेरे किरदार में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा, महिमा मखवाना, एंड इसके साथ जिशु, एंड इसके साथ वेल विल युषा डी सोजा। सिनेमेटोग्राफी जो है ना, वो जिन्होंने की है वो है जी करण बी रावत। एडिट बाई बुनते नागी। म्यूजिक बाई रावि बुसरोर, एंड इसके साथ हितेश मद्दाक। प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान। फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोज। रिलीज डेट इसकी 26 नवंबर 2021 की है और उसके रनिंग टाइम 135 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है। लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म की ऊपर जो लागत आई वो 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई 60 करोड़ का बिजनेस भी किया। अंतम द फाइनल ट्रुथ एक 2021 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी महेश मंजर यकर ने की है और इसे सलमान खान फिल्म ने प्रोड्यूस किया है। इसमें सलमान खान, आयुष शर्मा, महिमा अमोकाना और जुसु संगीविता ने काम किया है। ये फिल्म की कहानी जो है ना, वो जी स्टूडियोज की तरफ से तकसीम किया गया। ये मराठी फिल्म मलशी पैटर्न की मुवाफकत है और इस मूवी में आपको सलमान खान एक जो है ना सिख के रोल में नजर आएंगे, जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे, और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के दरमियान होने वाले आमने सामने के गिर स्टोरी घूमती है। असल कहानी की तरफ नजर डालें तो इसमें किसानों के दरपेश मुश्किल हालात का पता चलता है, जो उनमें से कुछ को जरम की तरफ धकेलता है। ये फिल्म थिएटर में 26 नवंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नागरिन और सामीन की तरफ से मस्त जायजे मिले, जिसमें शर्मा और खान की परफॉर्मेंस, कहानी, पस मंजर के स्क्वायर एक्शन सीक्वेंस और मंजर यक्कर की डायरेक्शन की तारीफ की। अगर इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान बतौर इंस्पेक्टर
एक्टर राजवीर सिंह सिद्धू के रोल में आपको नजर आएंगे। आयुष शर्मा बतौर राहुल के रोल में आपको नजर आएंगे। मेमा मकवाना बतौर मुंडू चारे राहुल की मोहब्बत की दिलचस्पी में नजर आएंगे। महेश मंजर यक्कर बहसते सत्युवान मफीतू व चारे के रोल में आपको नजर आएंगे। जस्तु सनगुप्ता बतौर पीतिया बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे। निकितन धेर बतौर ध्या बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे। सचिन गीत यक्कर बतौर दाताराम पट्टल राहिल के वालिद छा यकदम बतौर धोपी पाटल रोहित हलिद यक्कर बतौर गिनिया गोपाल सिद्धि दिलवी बतौर सेमा पट्टल प्रेम धर्मा ध्योकारी बतौर सरदार सुद्धू इसके साथ सियाजी शुद्धे बतौर हेड कांस्टेबल आधे नोर्वे एंड वालू स्पॉटी सासु बतौर चिंगारी के रोल में आपको नजर आएंगे। अगर इस फिल्म की स्टोरी पर नजर डालें तो हमें ये स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये दास्तान एक आम आदमी किसान की जिंदगी के बारे में है, जहां वो अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेत मजदूरी के तौर पर काम करने पर मजबूर है। ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुलिया पाटल के गिर्द घूमती है। इसके वालिद दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और वो अपनी जमीन में चौकीदार के तौर पर रह रहे थे। एक दिन जमींदार शांडे दत्ताराम और राहुलिया को मारता है वो अपनी जमीन वापस ले। जल्द ही इसका खानदान पुणे शिफ्ट हो गया, जहां दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी में पोल्टर के तौर पर काम करते हैं। एक दिन मकामी गुंडे एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती पैसे बटोरते हैं। राहुलिया ने इन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया। वहां इसकी मुलाकात नानिया से होती है, जो कि मकामी MLA की हिमायत से एक ताकतवर गैंगस्टर है। राहुलिया जेल से रहा होने के बाद नानिया के हाथ मिलाते ही इस दौरान इसे एक चाय बेचने वाले मुंडा से भी मोहब्बत हो जाती है। राहुलिया ने जल्द ही गलती से मेयर को कत्ल करने के बाद अपना नाम कमा लिया और नानिया ने गवाहों को झूठी शहादतों के साथ कत्ल को खुदकशी के तौर पर मन घट करके इसे दोबारा जमाना दे दी। राहुलिया अपनी नई शर्त के साथ सब्जी फरोशों के मसाइल को हल करने के लिए यह वादा करके वो मौजूदा कीमतों से ज़्यादा कीमतों पर इनके मसनूआत खरीदेंगे। अगरचे दुकानदारों की तरफ से इसकी तारीफ की जाती है, लेकिन दत्ताराम इसे मुस्तैद करता है। जल्द ही राहुलिया नानिया के गैंग में एक अहम रुकन है। एक दिन पीतिया और दिया ने नानिया से शिकायत की कि वो राहुलिया के मास्टर जी की मलकियत वाली जमीन को जम करने में नाकाम रहे। राहुलिया अपना जाति स्कोर तय करता है और मास्टर जी को अपने खानदान के सामने गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नानिया मास्टर जी के चचा को कत्ल के तौर पर पेश करके इसकी जमानत देता है। राहुलिया को इसके खानदान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तैद कर दिया है और इसे अपने घर से निकाल दिए है। अगरचे मुंडा को राहुल से डर लगता है, लेकिन वो मानती है कि वो बेकसूर है। एक दिन नानिया ने राहुलिया को अपनी सालगिरह की तकरीब में मधु किया। एक मोड़ में राहुलिया ने इसे उस रात कत्ल कर दिया, ये मानते हुए कि इसने अपनी माँ और बहन को जिनसी तौर पर पेशगोई की है। SI राजवीर सिंह कत्ल का गवाह है। जिस्मानी झगड़े के बाद राहुलिया को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद उस जमानत पर बाहर आता है। राहुलिया अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई इससे डरता है। एक रात एक परीटीन एजर सरदात उर्फ सिद्धू राहुलिया से मदद के लिए मिलने आता है। राहुलिया ने इसे अपने भाई के तौर पर गोद लिया। तरेसना राजवीर राहुलिया के खानदान इन पर तरस खाता है।
और कानून के हाथ में लेने पर हुलिया को संगीन नतीजे से खबरदार करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजवेर ने अब गैंगस्टर की किस्मत अपने ऊपर छोड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि एक दिन एक दूसरे से गैंग को मारने पर सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। वो गैंग के दोनों अरकान को एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर कत्ल करके बैन गिंग दुश्मनी को मजीद तेज करता है। रोहलिया अगरचे एक अमीर आदमी खुद को तनहा महसूस करता है, जैसे ही वो बाजार जाता है दत्ताराम इसे हकीर समझता है। मुंडा के वालिद मुफीतो भी रोहलिया पर चीखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में रोहलिया ने इसे मारा। मुंडा फिर रोहलिया को मारता है और इसके साथ टूट जाता है। रोहलिया और भी खौफनाक गुंडा बन जाता है और वो भत्ताखोरी शुरू कर देता है, बहुत से लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और दत्ताराम की ज़मीन पर नज़रें फेर लेता है और शंडे को मार कर अपना बदला लेता है। एक पर जोश रोहलिया ने दम दत्ताराम को खबर शेर की, लेकिन रोहलिया के ज़बरदस्ती तरीकों की वजह से वो हमेशा की तरह खुश नहीं है। ज़मीन की एक बस्ती के दौरान वो एक खुशकुन खानदान से मिलता है जहां बाप को अपने बेटों की कामयाबी पर फख्र होता है। ये सुनने के बाद रोहलिया का अब दिल बदल गया है। जैसे ही वो बाजार में वापस आता है दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने को कहता है और वो सियासत में शामिल हो जाता है। दत्ताराम का कहना है कि इसके पास अपने तरीके सवारने के बहुत से मौके थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही रोहलिया जाने वाला है मकामी MLA को रोहलिया के सियासत में शामिल होने की इतला मिली और इतिया और दिया और रोहलिया को कत्ल करने का मशवरा दिया। वनाइका चतुर्थी के दिन रजवेर ने MLA को इनकोटर करके मार डाला और दोनों ने इसे कत्ल करने के लिए पौने की सड़कों पर रोहलिया का पीछा किया। रोहलिया ने जल्दी से सिद्धू को फ़ोन किया और इनसे सबको मुतला करने को कहा। सिद्धू और रोहलिया बाजार पहुंच गए। दर इसने दत्ताराम भी कॉल करके रजवेर को वाकया से आगाह करता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। रोहलिया अब छुप कर बाहर आती है और वो दोनों दिया इतिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी जिससे वो हलाक हो गया। इसने दोनों दिया इतिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी जिससे वो हलाक हो गया। इसने इनकशाफ किया कि वो मास्टर जी का पोता है और इसने बाजार में रोहलिया को कत्ल करके अपनी मरती हुई माँ से अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया था। इसके बाद रजवेर का मुकाबला होता है और इतिया दिया को मार डालता है। जैसे ही रोहलिया की लाश आखिरी सुम होने वाला है हर कोई रोता है और दत्ताराम बेदिली से हंसता है क्योंकि इसे कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए रोहलिया के अल्फाज याद दिलाए जाते हैं। जैसे ही रजवेर चलाया जाता है वो सोचता है कि रोहलिया को 300 एकड़ के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 6 फुट ज़मीन की ज़रूरत। और दोस्तों इस फिल्म को इसने डायरेक्ट किया है, उनका नाम है महेश, ओके महेश मंजर जी कर, एंड इसको राइटर जो है ना वो डायरेक्ट उन्होंने किया और राइटर भी उन्होंने किया, लेकिन इसके साथ दे रहे हैं अभी जीत और इसके साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ सलवी। इसमें जो स्टोरी जो है ना वो इस मूवी की जो स्टोरी है वो है परवीन ट्रेड की बेस्ड ऑन बुलशी एंड इसके साथ बुलशी पैटर्न बाय परवीन ट्रेड प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान और इसमें जो है ना सलमान खान मेरे में आपको नज़र आएंगे आयुष शर्मा
Mehema, Makwana, and इसके साथ Jishu, and इसके साथ Well, Will, Yusha, D, Souza, Scenography जो है ना वो जिन्होंने की है वो है जी Karan, B, Rawat, Edit by Bunte, Nagi, Music by Ravi, Busroor, and इसके साथ Hitesh, Madak, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोस रिलीज डेट इसकी 26 नवंबर 2021 की है और उसके रनिंग टाइम 135 मिनट का है कंट्री इसकी इंडिया है लैंग्वेज इसकी हिंदी है इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई 60 करोड़ का बिजनेस भी किया अंतम द फाइनल ट्रुथ एक 2021 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है जिसकी हिदायतकारी महेश मंजर यकर ने की है और इसे सलमान खान फिल्म ने प्रोड्यूस किया है इसमें सलमान खान आयुष शर्मा महुमा अमोकाना और जुसु संगीविता ने काम किया है ये फिल्म की कहानी जो है ना वो जी स्टूडियोज की तरफ से तकसीम किया गया ये मराठी फिल्म मलशी पैटर्न की मुवाफकत है और इस मूवी में आपको सलमान खान एक सिख के रोल में नजर आएंगे जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के दरमियान होने वाले आमने सामने के गिर स्टोरी घूमती है असल कहानी की तरफ नजर रहे तो इसमें किसानों के दरपेश मुश्किल हालात का पता चलता है जो उनमें से कुछ को जन्म की तरफ धकेलता है ये फिल्म थिएटर में 26 नवंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी इसे नागरीन और सामीन की तरफ से मस्त जायजे मिले जिसमें शर्मा और खान की परफॉर्मेंस कहानी पस मंजर के स्क्वायर एक्शन सीक्वेंस और मंजर यक्कर की डायरेक्शन की तारीफ अगर इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान बतौर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सिद्धू के रोल में आपको नजर आएंगे आयुष शर्मा बतौर राहुल के रोल में आपको नजर आएंगे मेमा मकवाना बतौर मुंडू चारे राहुल की मोहब्बत की दिलचस्पी में नजर आएंगे महेश मंजर यक्कर बहसते सत्युवान मफीतु व चारे के रोल में आपको नजर आएंगे जुस्तु संगवता बतौर पीतिया बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे निकितन धेर बतौर ध्या बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे सचिन गीत जक्कर बतौर दाताराम पट्टल राहिल के वालिद छा यकदम बतौर धोपी पाटल रोहित हलिद यक्कर बतौर गिनिया गोपाल सिद्धि दिलवी बतौर सेमा पट्टल प्रेम धर्मा ध्योकारी बतौर सरदात सुद्धू इसके साथ सियाजी शुद्धे बतौर हेड कांस्टेबल आधे नोरवे एंड वालू स्पॉटी सासु बतौर चिंगारी के रोल में आपको नजर आएंगे अगर इस फिल्म की स्टोरी पर नजर डालें तो हमें ये स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये दास्तान एक आम आदमी किसान की जिंदगी के बारे में है जहां वो अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेत मजदूरी के तौर पर काम करने पर मजबूर है ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुलिया पाटल के गिर्द घूमती है इसके वालिद दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और वो अपनी जमीन में चौकीदार के तौर पर रह रहे थे एक दिन जमींदार शांडे दत्ताराम और राहुलिया को मारता है वो अपनी जमीन वापस ले ले जल्द ही इसका खानदान पुणे शिफ्ट हो गया जहां दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी में होल्डर के तौर पर काम करते हैं एक दिन मकामी गुंडे एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती पैसे बटोरते हैं राहुलिया ने इन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया वहां इसकी मुलाकात नानिया से होती है जो कि मकामी MLA की हिमायत से एक ताकतवर गैंगस्टर है राहुलिया जेल से रहा होने के बाद नानिया के हाथ मिलाते ही इस दौरान इसे एक चाय बेचने वाले मुंडा से भी मोहब्बत हो जाती है राहुलिया ने जल्द ही गलती से मेयर को कत्ल करने के बाद अपना नाम कमा लिया और नानिया ने गवाहों को झूठी शातों के साथ कत्ल
को खुदकशी के तौर पर मन घट करके इसे दोबारा जमाना दे दी। रोहलिया अपनी नश्वरत के साथ सब्जी फरोशों के मसाइल को हल करने के लिए यह वादा करके वो मौजूदा कीमतों से ज़्यादा कीमतों पर इनके मसनूआत खरीदेंगे। अगरचे दुकानदारों की तारफ से इसकी तारीफ की जाती है, लेकिन दत्ताराम इसे मुस्तरद करता है। जल्द ही रोहलिया नानिया के गैंग में एक अहम रुकन है। एक दिन पीतिया और दिया ने नानिया से शिकायत की कि वो रोहलिया के मास्टर जी की मलकियत वाली जमीन को जम करने में नाकाम रहे। रोहलिया अपना जाती स्कोर तय करता है और मास्टर जी को अपने खानदान के सामने गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नानिया मास्टर जी के चचा को कत्ल के तौर पर पेश करके इसकी जमानत देता है। रोहलिया को इसके खानदान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इसे अपने घर से निकाल दिए है। अगरचे मुंडा को राहुल से डर लगता है, लेकिन वो मानती है कि वो बेकसूर है। एक दिन नानिया ने रोहलिया को अपनी सालगिरह की तकरीब में मौजूद किया। एक मोड़ में रोहलिया ने इसे उस रात कत्ल कर दिया, ये मानते हुए कि इसने अपनी माँ और बहन को जिनसी तौर पर पेशगोई की है। SI रजवेर सिंह कत्ल का गवाह है। जिस्मानी झगड़े के बाद रोहलिया को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद वो जमान पर बाहर आता है। रोहलिया अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई इससे डरता है। एक रात एक परीटीन एजर सरदात उर्फ सिद्धू रोहलिया से मदद के लिए मिलने आता है। रोहलिया ने इसे अपने भाई के तौर पर गोद लिया। दरअसना रजवेर रोहलिया के खानदान इन पर तरस खाता है और कानून के हाथ में लेने पर रोहलिया को संगीन नतीजे से खबरदार करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजवेर ने अब गैंगस्टर की किस्मत अपने ऊपर छोड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि एक दिन एक दूसरे से गैंग को मारने पर सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। वह गैंग के दोनों अरकान को एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर कत्ल करके बैन गैंग दुश्मनी को मजीद तेज करता है। रोहलिया अगरचे एक अमीर आदमी खुद को तनहा महसूस करता है, जैसे ही वो बाजार जाता है दत्ताराम इसे हकीर समझता है। मुंडा के वालिद मुफीतू भी रोहलिया पर चीखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में रोहलिया ने इसे मारा। मुंडा फिर रोहलिया को मारता है और इसके साथ टूट जाता है। रोहलिया और भी खौफनाक गुंडा बन जाता है और वो भत्ताखोरी शुरू कर देता है। बहुत से लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। वो दत्ताराम की ज़मीन पर नज़रें फेर लेता है और शंडे को मार कर अपना बदला लेता है। एक परजोश रोहलिया ने दम दत्ताराम को खबर शेयर की, लेकिन रोहलिया के ज़बरदस्ती तरीकों की वजह से वो हमेशा की तरह खुश नहीं है। ज़मीन की एक बस्ती के दौरान वो एक खुशकुन खानदान से मिलता है, जहां बाप को अपने बेटों की कामयाबी पर फख्र होता है। ये सुनने के बाद रोहलिया का अब दिल बदल गया है। जैसे ही वो बाजार में वापस आता है दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने को कहता है और वो सियासत में शामिल हो जाता है। दत्ताराम का कहना है कि इसके पास अपने तरीके संवारने के बहुत से मौके थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही रोहलिया जाने वाला है, मकामी MLA को रोहलिया के सियासत में शामिल होने की इत्तला मिली और पितिया और दिया को रोहलिया को कत्ल करने का मशवरा दिया। वनाइका चतुर्थी के दिन रजवेर ने MLA को इनकाउंटर करके मार डाला और दोनों ने इसे कत्ल करने के लिए पौने की सड़कों पर रोहलिया का पीछा किया। रोहलिया ने जल्दी से सिद्धू को फ़ोन किया और इनसे सबको मुतला करने को कहा। सिद्धू और रोहलिया बाजार पहुंच गए। दरअसल
दत्ताराम भी कॉल करके राजुवेर को वाक्या से आगाह करता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। रोहिल्या अब छुप कर बाहर आती है और वो दोनों दिया पितिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहिल्या ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। शुद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहिल्या को गोली मार दी, इससे वो हलाक हो गया। इसने दोनों दिया पितिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहिल्या ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। शुद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहिल्या को गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। इसने इनकशाफ किया कि वो मास्टर जी का पोता है और इसने बाजार में रोहिल्या को कत्ल करके अपनी मरती हुई माँ से अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया था। इसके बाद राजुवेर का मुकाबला होता है और पितिया दिया को मार डालता है। जैसे ही रोहिल्या की लाश का आखिरी रसूम होने वाला है, हर कोई रोता है और दत्ताराम भी दिली से हंसता है, क्योंकि इसे कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए रोहिल्या के अल्फाज याद दिलाए जाते हैं। जैसे ही राजुवेर चलाया जाता है, वो सोचता है कि रोहिल्या को 300 एकड़ के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 6 फुट जमीन की जरूरत। और दोस्तों, इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है महेश, ओके, महेश मंजर जी कर। एंड इसको राइटर जो है ना वो डायरेक्ट उन्होंने किया और राइटर भी उन्होंने किया, वाला इसका साथ दे रहे हैं अभी जीत, और इसके साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ सलवी। इसमें जो स्टोरी जो है ना वो इस मूवी की जो स्टोरी है वो है परवीन ट्रेड की, बेस्ड ऑन बुलशी, एंड इसके साथ बुलशी पैटर्न बाई परवीन ट्रेड, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, और इसमें जो है ना सलमान खान मेरे करदार में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा, महिमा मखवाना, एंड इसके साथ जिशु, एंड इसके साथ वेल विल युषा डी सोजा। सिनेमाग्राफी जो है ना वो जिन्होंने की है वो है जी करण बी रावत, एडिट बाई बुनते नागी, म्यूजिक बाई रावि बुसरोर, एंड इसके साथ हितेश मद्दाक, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म, डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोस, रिलीज डेट इसकी 26 नवंबर 2021 की है और उसके रनिंग टाइम 135 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई 60 करोड़ का बिजनेस भी किया। अंतम द फाइनल ट्रुथ एक 2021 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी महेश मंजर यकर ने की है और इसे सलमान खान फिल्म ने प्रोड्यूस किया है। इसमें सलमान खान, आयुष शर्मा, महिमा अमोकाना और जुसु संगीविता ने काम किया है। ये फिल्म की कहानी जो है ना वो जी स्टूडियोज की तरफ से तकसीम किया गया। ये मराठी फिल्म मलशी पैटर्न की मुवाफकत है और इस मूवी में आपको सलमान खान एक जो है ना सिख के रोल में नजर आएंगे, जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे, और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के दरमियान होने वाले आमने सामने के स्टोरी घूमती है। असल कहानी की तरफ नजर रहे तो इसमें किसानों के दरपेश मुश्किल हालात का पता चलता है, जो उनमें से कुछ को जरम की तरफ धकेलता है। ये फिल्म थिएटर में 26 नवंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नागरीन और सामीन की तरफ से मस्त जायजे मिले, जिसमें शर्मा और खान की परफॉर्मेंस, कहानी, पस मंजर के स्क्वायर एक्शन सीक्वेंस और मंजर यक्कर की डायरेक्शन की तारीफ की। अगर इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान बतौर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सिद्धू के रोल में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा बतौर राहुल के रोल में आपको नजर आएंगे, मेमा मकवाना बतौर मुंडू चारे राहुल की मोहब्बत की दिलचस्पी में नजर आएंगे, महेश मंजर यक्कर बहसत सत्युवान मफीतु व चारे के रोल में आपको नजर आएंगे, जस्तु संगवता बतौर पितिया बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे,
निकितन धेर बतौर ध्या भागरे किरण में आपको नजर आएंगे सचिन गीत जेकर बतौर दाताराम पट्टल राहिल के वालिद छा यकदम बतौर धोपी पाटल रोहित हलिद यकर बतौर गिनिया गोपाल सिद्धि दिलवी बतौर सेमा पट्टल प्रेम धर्मा ध्योकारी बतौर सरदात सुद्दू इसके साथ सियाजी शुद्धे बतौर हेड कांस्टेबल आदे नोरवे एंड वालू स्पॉटी सासु बतौर चिंगारी ये रोल में आपको नजर आएंगे। अगर इस फिल्म की स्टोरी लिख कर नजर डरवाए तो हमें ये स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये दास्तान एक आम आदमी किसान की जिंदगी के बारे में है जहाँ वो अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेत मजदूरी के तौर पर काम करने पर मजबूर है। ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुलिया पाटल के गिर्द घूमती है। इसके वालिद दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और वो अपनी जमीन में चौकीदार के तौर पर रह रहे थे। एक दिन जमींदार शांडे दत्ताराम और राहुलिया को मारता है वो कि वो अपनी जमीन वापस ले ले। जल्द ही इसका खानदान पुणे शिफ्ट हो गया जहां दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी में पोल्टर के तौर पर काम करते हैं। एक दिन मकामी गुंडे एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती पैसे बटोरते हैं। राहुलिया ने इन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया। वहां इसकी मुलाकात नानिया से होती है जो कि मकामी MLA की हिमायत से एक ताकतवर गैंगस्टर है। राहुलिया जेल से रहा होने के बाद नानिया के हाथ मिलाते ही इस दौरान इसे एक चाय बेचने वाले मुंडा से भी मोहब्बत हो जाती है। राहुलिया ने जल्द ही गलती से मेयर को कत्ल करने के बाद अपना नाम कमा लिया और नानिया ने गवाहों को झूठी शहादतों के साथ कत्ल को खुदकशी के तौर पर मन घट करके इसे दोबारा जमाना दे दी। राहुलिया अपनी नशरत के साथ सब्जी फरोशों के मसाइल को हल करने के लिए ये वादा करके वो मौजूदा कीमतों से ज़्यादा कीमतों पर इनके मसनूआत खरीदेंगे। अगरचे दुकानदारों की तारफ से इसकी तारीफ की जाती है लेकिन दत्ताराम इसे मुस्तरद करता है। जल्द ही राहुलिया नानिया के गैंग में एक अहम रुकन है। एक दिन पीतिया और दिया ने नानिया से शिकायत की कि वो राहुलिया के मास्टर जी की मलकियत वाली जमीन को जम करने में नाकाम रहे। राहुलिया अपना जाति स्कोर तय करता है और मास्टर जी को अपने खानदान के सामने गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नानिया मास्टर जी के चचा को कत्ल के तौर पर पेश करके इसकी जमानत देता है। राहुलिया को इसके खानदान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इसे अपने घर से निकाल दिए है। अगरचे मुंडा को राहुल से डर लगता है लेकिन वो मानती है कि वो बेकसूर है। एक दिन नानिया ने राहुलिया को अपनी सालगिरह की तकरीब में मधु किया। एक मोड़ में राहुलिया ने इसे उस रात कत्ल कर दिया ये मानते हुए कि इसने अपनी माँ और बहन को जिनसी तौर पर पेशगोई की है। SI रजवेर सिंह कत्ल का गवाह है। जिस्मानी झगड़े के बाद राहुलिया को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद वो जमानत पर बाहर आता है। राहुलिया अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई इससे डरता है। एक रात एक परीटीन एजर सरदात उर्फ सिद्धू राहुलिया से मदद के लिए मिलने आता है। राहुलिया ने इसे अपने भाई के तौर पर गोद लिया। दरअसना रजवेर राहुलिया के खानदान इन पर तरस खाता है और कानून के हाथ में लेने पर राहुलिया को संगीन नतीज से खबरदार करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजवेर ने अब गैंगस्टर की किस्मत अपने ऊपर छोड़ने का फैसला किया ये जानते हुए कि एक दिन एक दूसरे से गैंग को मारने पर सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। वह गैंग के दोनों अरकान को एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर कत्ल करके बैन गिंग
दुश्मनी को मजीद तेज करता है। रोहिल्या अगरचे एक अमीर आदमी खुद को तनहा महसूस करता है, जैसे ही वो बाजार जाता है दत्ताराम इसे हकीर समझता है। मुंडा के वालिद मुफीतो भी रोहिल्या पर चीखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में रोहिल्या ने इसे मारा। मुंडा फिर रोहिल्या को मारता है और इसके साथ टूट जाता है। रोहिल्या और भी खौफनाक गुंडा बन जाता है और वो भत्ताखोरी शुरू कर देता है। बहुत से लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता है। वो दत्ताराम की जमीन पर नजरें फेर लेता है और शंडे को मार कर अपना बदला लेता है। एक पर जोश रोहिल्या ने दम दत्ताराम को खबर शेर की, लेकिन रोहिल्या के जबरदस्ती तरीकों की वजह से वो हमेशा की तरह खुश नहीं है। जमीन की एक बस्ती के दौरान वो एक खुशकुन खानदान से मिलता है, जहां बाप को अपने बेटों की कामयाबी पर फख्र होता है। ये सुनने के बाद रोहिल्या का अब दिल बदल गया है। जैसे ही वो बाजार में वापस आता है दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने को कहता है और वो सियासत में शामिल हो जाता है। दत्ताराम का कहना है कि इसके पास अपने तरीके सवारने के बहुत से मौके थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही रोहिल्या जाने वाला है, मकामी MLA को रोहिल्या के सियासत में शामिल होने की इतला मिली और इतिया और दिया को रोहिल्या को कत्ल करने का मशवरा दिया। वनाइका चित्रती के दिन रजवेर ने MLA को इनकोटर करके मार डाला और दोनों ने इसे कत्ल करने के लिए पौने की सड़कों पर रोहिल्या का पीछा किया। रोहिल्या ने जल्दी से सुद्दू को फोन किया और इनसे सबको मुतला करने को कहा। सुद्दू और रोहिल्या बाजार पहुंच गए। दर इसने दत्ताराम भी कॉल करके राजुवेर को वाकया से आगाह करता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। रोहिल्या अब छुप कर बाहर आती है और वो दोनों दिया इतिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहिल्या ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्दू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहिल्या को गोली मार दी, इससे वो हलाक हो गया। इसने दोनों दिया इतिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहिल्या ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्दू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहिल्या को गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। इसने इनकशाफ किया कि वो मास्टर जी का पोता है और इसने बाजार में रोहिल्या को कत्ल करके अपनी मरती हुई माँ से अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया था। इसके बाद रजुवेर का मुकाबला होता है और इतिया दिया को मार डालता है। जैसे ही रोहिल्या की लाश का आखिरी रसूम होने वाला है, हर कोई रोता है और दत्ताराम बेदिली से हंसता है, क्योंकि इसे कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए रोहिल्या के अल्फाज याद दिलाए जाते हैं। जैसे ही रजुवेर चलाया जाता है, वो सोचता है कि रोहिल्या को 300 एकड़ के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 6 फुट जमीन की जरूरत। और दोस्तों, इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उनका नाम है महेश, ओके, महेश मंजर जीकर। एंड इसको राइटर जो है ना वो डायरेक्ट उन्होंने किया और राइटर भी उन्होंने किया, लेकिन इसका साथ दे रहे हैं अभिजीत और इसके साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ सलवी। इसमें जो स्टोरी जो है ना वो इस मूवी की जो स्टोरी है वो है परवीन ट्रेड की, बेस्ड ऑन बुलशी एंड इसके साथ बुलशी पैटर्न बाय परवीन ट्रेड, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान। और इसमें जो है ना सलमान खान मेरे कर में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा, महिमा मखवाना एंड इसके साथ जिशु एंड इसके साथ वेल विल युषा डी सोजा। सिनेमाग्राफी जो है ना वो जिन्होंने की है वो है जी करण बी रवात, एडिट बाय बुनते नागी, म्यूजिक बाय रावी बुसरोर एंड इसके साथ हितेश मद्दाक
प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोस। रिलीज डेट इसकी 26 नवंबर 2021 की है और उसके रनिंग टाइम 135 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई 60 करोड़ का बिजनेस भी किया। अंतम द फाइनल ट्रुथ एक 2021 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है जिसकी हिदायतकारी महेश मंजर यक्कर ने की है और इसे सलमान खान फिल्म ने प्रोड्यूस किया है। इसमें सलमान खान, आयुष शर्मा, महुमा अमवकाना और जुसु संगीविता ने काम किया है। ये फिल्म की कहानी जो है ना वो जी स्टूडियोज की तरफ से तकसीम किया गया। ये मराठी फिल्म मलशी पैटर्न की मुवाफकत है और इस मूवी में आपको सलमान खान एक जो है ना सिख के रोल में नजर आएंगे जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के दरमियान होने वाले आमने सामने के गिर स्टोरी घूमती है। असल कहानी की तरफ नजर रहे तो इसमें किसानों के दरपेश मुश्किल हालात का पता चलता है जो उनमें से कुछ को जन्म की तरफ धकेलता है। ये फिल्म थिएटर में 26 नवंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नागरीन और सामीन की तरफ से मस्त जायजे मिले जिसमें शर्मा और खान की परफॉर्मेंस, कहानी, पस मंजर के स्क्वायर एक्शन सिक्वेंस और मंजर यक्कर की डायरेक्शन की तारीफ की। अगर फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान बतौर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सिद्धू के रोल में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा बतौर राहुल के रोल में आपको नजर आएंगे, मेमा मकवाना बतौर मुंडू चारे राहुल की मोहब्बत की दिलचस्पी में नजर आएंगे, महेश मंजर यक्कर बहसत सत्युवान मफीतू व चारे के रोल में आपको नजर आएंगे, जुस्तु संगवता बतौर पीतिया बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, निकितन धेर बतौर ध्या बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, सचिन गीत जक्कर बतौर दाताराम पट्टल राहिल के वालिद, छा यकदम बतौर धोपी पाटल, रोहित हलिद यक्कर बतौर गिनिया गोपाल, सिद्धि दिलवी बतौर सेमा पट्टल, प्रेम धर्मा ध्योकारी बतौर सरदार सुद्धू, इसके साथ सियाजी शुद्धे बतौर हेड कांस्टेबल औदे नोरवे एंड वालू स्पॉटी सासु बतौर चिंगारी के रोल में आपको नजर आएंगे। अगर इस फिल्म की स्टोरी पर नजर डालें तो हमें ये स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये दास्तान एक आम आदमी किसान की जिंदगी के बारे में है जहां वो अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेत मजदूरी के तौर पर काम करने पर मजबूर है। ऐसी ही एक कहानी रावल रहुलिया पाटल के गिर्द घूमती है। इसके वालिद दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और वो अपनी जमीन में चौकीदार के तौर पर रह रहे थे। एक दिन जमींदार शांडे दत्ताराम और रहुलिया को मारता है वो अपनी जमीन वापस ले ले। जल्द ही इसका खानदान पुणे शिफ्ट हो गया जहां दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी में पोल्टर के तौर पर काम करते हैं। एक दिन मकामी गुंडे एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती पैसे बटोरते हैं। राहुलिया ने इन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया। वहां इसकी मुलाकात नानिया से होती है जो कि मकामी MLA की हिमायत से एक ताकतवर गैंगस्टर है। राहुलिया जेल से रहा होने के बाद नानिया के हाथ मिलाते ही इस दौरान इसे एक चाय बेचने वाले मुंडा से भी मोहब्बत हो जाती है। राहुलिया ने जल्द ही गलती से मेयर को कत्ल करने के बाद अपना नाम कमा लिया और नानिया ने गवाहों को झूठी शहादतों के साथ कत्ल को खुदकशी के तौर पर मन घट करके इसे दोबारा जमाना दे दी। राहुलिया अपनी नश्वरत के साथ सब्जी फरोशों के मसाइल को हल करने के लिए यह वादा करके वो मौजूदा कीमतों से ज़्यादा कीमतों पर इनके मसनूआत खरीदेंगे। अगरचे दुकानदारों की तारफ से इसकी तारीफ की जाती है लेकिन दत्ताराम इसे मुस्तरद करता है। जल्द ही राहुलिया नानिया के गैंग में एक
अहम रुकन है। एक दिन पितिया और दिया ने नानिया से शिकायत की कि वो रोहलिया के मास्टर जी की मलकियत वाली जमीन को जम करने में नाकाम रहे। रोहलिया अपना जाती स्कोर तय करता है और मास्टर जी को अपने खानदान के सामने गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नानिया मास्टर जी के चचा को कत्ल के तौर पर पेश करके इसकी जमानत देता है। रोहलिया को इसके खानदान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तैद कर दिया है और इसे अपने घर से निकाल दिया है। अगरचे मुंडा को राहुल से डर लगता है लेकिन वो मानती है कि वो बेकसूर है। एक दिन नानिया ने रोहलिया को अपनी सालगिरह की तकरीब में मधु किया। एक मोड़ में रोहलिया ने इसे उस रात कत्ल कर दिया, ये मानते हुए कि इसने अपनी माँ और बहन को जिनसी तौर पर पेशगोई की है। एस आई रजवेर सिंह कत्ल का गवाह है। जिस्मानी झगड़े के बाद रोहलिया को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद उस जमान पर बाहर आता है। रोहलिया अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई इससे डरता है। एक रात एक परीटीन एजर सरदार उर्फ सिद्धू रोहलिया से मदद के लिए मिलने आता है। रोहलिया ने इसे अपने भाई के तौर पर गोद लिया। दरेसना रजवेर रोहलिया के खानदान इन पर तरस खाता है और कानून के हाथ में लेने पर रोहलिया को संगीन नतीजे से खबरदार करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजवेर ने अब गैंगस्टर की किस्मत अपने ऊपर छोड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि एक दिन एक दूसरे से गैंग को मारने पर सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। वह गैंग के दोनों अरकान को एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर कत्ल करके बैन गैंग दुश्मनी को मजीद तेज करता है। रोहलिया अगरचे एक अमीर आदमी खुद को तनहा महसूस करता है, जैसे ही वो बाजार जाता है दत्ताराम इसे हकीर समझता है। मुंडा के वालिद मुफीतो भी रोहलिया पर चीखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में रोहलिया ने इसे मारा। मुंडा फिर रोहलिया को मारता है और इसके साथ टूट जाता है। रोहलिया और भी खौफनाक गुंडा बन जाता है और वो भत्ता खोरी शुरू कर देता है। बहुत से लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता है। वो दत्ताराम की जमीन पर नजरें फेर लेता है और शंडे को मार कर अपना बदला लेता है। एक परजोश रोहलिया ने दम दत्ताराम को खबर शेयर की, लेकिन रोहलिया के जबरदस्ती तरीकों की वजह से वो हमेशा की तरह खुश नहीं है। जमीन की एक बस्ती के दौरान वो एक खुशपुन खानदान से मिलता है जहां बाप को अपने बेटों की कामयाबी पर फख्र होता है। ये सुनने के बाद रोहलिया का अब दिल बदल गया है। जैसे ही वो बाजार में वापस आता है दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने को कहता है और वो सियासत में शामिल हो जाता है। दत्ताराम का कहना है कि इसके पास अपने तरीके सवारने के बहुत से मौके थे लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही रोहलिया जाने वाला है मकामी MLA को रोहलिया के सियासत में शामिल होने की इत्तला मिली और पितिया और दिया और रोहलिया को कत्ल करने का मशवरा दिया। वनाइका चतुर्थी के दिन रजवेर ने MLA को इनकोटर करके मार डाला और दोनों ने इसे कत्ल करने के लिए पौने की सड़कों पर रोहलिया का पीछा किया। रोहलिया ने जल्दी से सिद्धू को फोन किया और इनसे सबको मुतला करने को कहा। सिद्धू और रोहलिया बाजार पहुंच गए। दरअसने दत्ताराम भी कॉल करके रजवेर को वाकया से आगाह करता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। रोहलिया अब छुप कर बाहर आती है और वो दोनों दिया पितिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी जिससे वो हलाक हो गया। इसने दोनों दिया पितिया जोड़ी का सामना करते
करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्दू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी जिससे वो हलाक हो गया। इसने इनकशाफ किया कि वो मास्टर जी का पोता है और इसने बाजार में रोहलिया को कत्ल करके अपनी मरती हुई माँ से अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया था। इसके बाद रज्जू वेर का मुकाबला होता है और पीतिया दिया को मार डालता है। जैसे ही रोहलिया की लाश का आखिरी रसूम होने वाला है हर कोई रोता है और दत्ताराम भी दिली से हंसता है क्योंकि इसे कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए रोहलिया के अल्फाज याद दिलाए जाते हैं। जैसे ही जुवेर चलाया जाता है वो सोचता है कि रोहलिया को 300 एकड़ के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 6 फुट जमीन की जरूरत। और दोस्तों इस फिल्म को इसने डायरेक्ट किया है, उनका नाम है महेश, ओके महेश मंजर जी कर, एंड इसको राइटर जो है ना वो डायरेक्टर उन्होंने किया और राइटर भी उन्होंने किया, लेकिन इसका साथ दे रहे हैं अभी जीत और इसके साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ सलवी। इसमें जो स्टोरी जो है ना वो इस मूवी की जो स्टोरी है वो है परवीन ट्रेड की बेस्ड ऑन बुलशी, एंड इसके साथ बुलशी पैटर्न बाय परवीन ट्रेड, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, और इसमें जो है ना सलमान खान मेरे आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा, महिमा मखवाना, एंड इसके साथ जिशु, एंड इसके साथ वेल विल युषा डी सोजा। सिनेमाग्राफी जो है ना वो जिन्होंने की है वो है जी करण बी रवात, एडिट बाय बुनते नागी, म्यूजिक बाय रावी बुसरोर, एंड इसके साथ हितेश मद्दाक, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोस, रिलीज डेट इसकी 26 नवंबर 2021 की है और उसके रनिंग टाइम 135 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म की जो लागत आई वो 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई 60 करोड़ का बिजनेस भी किया। अंतम द फाइनल ट्रुथ एक 2021 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है जिसकी हिदायतकारी महेश मंजर यकर ने की है और इसे सलमान खान फिल्म ने प्रोड्यूस किया है। इसमें सलमान खान, आयुष शर्मा, महिमा अमोकाना और जुसु संगीविता ने काम किया है। ये फिल्म की कहानी जो है ना वो जी स्टूडियोज की तरफ से तकसीम किया गया। ये मराठी फिल्म मलशी पैटर्न की मुवाफकत है और इस मूवी में आपको सलमान खान एक जो है ना सिख के रोल में नजर आएंगे जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के दरमियान होने वाले आमने सामने के स्टोरी घूमती है। असल कहानी की तरफ नजर डालें तो इसमें किसानों के दरपेश मुश्किल हालात का पता चलता है जो उनमें से कुछ को जन्म की तरफ धकेलता है। ये फिल्म थिएटर में 26 नवंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नागरिन और सामीन की तरफ से मस्त जायजे मिले जिसमें शर्मा और खान की परफॉर्मेंस, कहानी, पस मंजर के स्क्वायर एक्शन सिक्वेंस और मंजर यक्कर की डायरेक्शन की तारीफ। अगर इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान बतौर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सिद्धू के रोल में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा बतौर राहुल के रोल में आपको नजर आएंगे, मेमा मकवाना बतौर मुंडू चारे राहुल की मोहब्बत की दिलचस्पी में नजर आएंगे, महेश मंजर यक्कर बहसत सत्युवान मफीतू व चारे के रोल में आपको नजर आएंगे, जुस्तु संगुप्ता बतौर पीतिया भागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, निकितन धेर बतौर ध्या भागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, सचिन गीत जक्कर बतौर दाताराम पटल राहिल के वालिद, छा यकदम बतौर धोपी पाटल, रोहित हलिद यक्कर बतौर गिनिया गोपाल, सिद्धि दिलवी बतौर सेमा पटल, प्रेम धर्मा ध्योकारी बतौर सरदार सुद्धू, इसके साथ
सियाजी शुद्धे बतौर हेड कांस्टेबल औदे नोर्वे एंड वालू स्पॉडी स्वासु बतौर चिंगारी के रोल में आपको नजर आएंगे। अगर इस फिल्म की स्टोरी पर नजर डरवाए तो हमें ये स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये दास्तान एक आम आदमी किसान की जिंदगी के बारे में है, जहां वो अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेत मजदूरी के तौर पर काम करने पर मजबूर है। ऐसी ही एक कहानी राहुल रहुलिया पाटल के गिर्द घूमती है। इसके वालिद दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और वो अपनी जमीन में चौकीदार के तौर पर रह रहे थे। एक दिन जमींदार शांडे दत्ताराम और रहुलिया को मारता है वो अपनी जमीन वापस ले। जल्द ही इसका खानदान पुणे शिफ्ट हो गया, जहां दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी में पोल्टर के तौर पर काम करते हैं। एक दिन मकामी गुंडे एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती पैसे बटोरते हैं। राहुलिया ने इन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया। वहां इसकी मुलाकात नानिया से होती है, जो कि मकामी MLA की हिमायत से एक ताकतवर गैंगस्टर है। राहुलिया जेल से रहा होने के बाद नानिया के हाथ मिलाते ही इस दौरान इसे एक चाय बेचने वाले मुंडा से भी मोहब्बत हो जाती है। रोहलिया ने जल्द ही गलती से मेयर को कत्ल करने के बाद अपना नाम कमा लिया और नानिया ने गवाहों को झूठी शहादतों के साथ कत्ल को खुदकशी के तौर पर मन घट करके इसे दोबारा जमाना दे दी। रोहलिया अपनी नशरत के साथ सब्जी फरोशों के मसाइल को हल करने के लिए यह वादा करके वो मौजूदा कीमतों से ज़्यादा कीमतों पर इनके मसनूआत खरीदेंगे। अगरचे दुकानदारों की तारफ से इसकी तारीफ की जाती है, लेकिन दत्ताराम इसे मुस्तरद करता है। जल्द ही रोहलिया नानिया के गैंग में एक अहम रुकन है। एक दिन पीतिया और दिया ने नानिया से शिकायत की कि वो रोहलिया के मास्टर जी की मलकियत वाली जमीन को जम करने में नाकाम रहे। रोहलिया अपना जाति स्कोर तय करता है और मास्टर जी को अपने खानदान के सामने गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नानिया मास्टर जी के चचा को कत्ल के तौर पर पेश करके इसकी जमानत देता है। रोहलिया को इसके खानदान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इसे अपने घर से निकाल दिए है। अगरचे मुंडा को राहुल से डर लगता है, लेकिन वो मानती है कि वो बेकसूर है। एक दिन नानिया ने रोहलिया को अपनी सालगिरह की तकरीब में मौजूद किया। एक मोड़ में रोहलिया ने इसे उस रात कत्ल कर दिया, ये मानते हुए कि इसने अपनी माँ और बहन को जिनसी तौर पर पेशगोई की है। SI रजवेर सिंह कत्ल का गवाह है। जिस्मानी झगड़े के बाद रोहलिया को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद उस जमान पर बाहर आता है। रोहलिया अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई इससे डरता है। एक रात एक परी टीन एजर सरदार उर्फ सिद्धू रोहलिया से मदद के लिए मिलने आता है। रोहलिया ने इसे अपने भाई के तौर पर गोद लिया। तरेसना रजवेर रोहलिया के खानदान इन पर तरस खाता है और कानून के हाथ में लेने पर रोहलिया को संगीन नतीजे से खबरदार करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजवेर ने अब गैंगस्टर की किस्मत अपने ऊपर छोड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि एक दिन एक दूसरे से गैंग को मारने पर सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। वह गैंग के दोनों अरकान को एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर कत्ल करके बैन गिंग दुश्मनी को मजीद तेज करता है। रोहलिया अगरचे एक अमीर आदमी खुद को तनहा महसूस करता है, जैसे ही वो बाजार जाता है दत्ताराम इसे हकीर समझता है। मुंडा के वालिद मुफीतो भी रोहलिया पर चीखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में रोहलिया ने इसे मारा। मुंडा फिर रोहलिया को मारता है और इसके साथ टूट जाता है। रोहलिया और भी खौफनाक
गुंडा बन जाता है और वो भत्ता खोरी शुरू कर देता है। बहुत से लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता है और दत्ताराम की जमीन पर नजरें फेर लेता है और शंडे को मार कर अपना बदला लेता है। एक पर जोश रोहलिया ने दम दत्ताराम को खबर शेर की, लेकिन रोहलिया के जबरदस्ती तरीकों की वजह से वो हमेशा की तरह खुश नहीं है। जमीन की एक बस्ती के दौरान वो एक खुशकुन खानदान से मिलता है जहां बाप को अपने बेटों की कामयाबी पर फख्र होता है। ये सुनने के बाद रोहलिया का अब दिल बदल गया है। जैसे ही वो बाजार में वापस आता है दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने को कहता है और वो सियासत में शामिल हो जाता है। दत्ताराम का कहना है कि इसके पास अपने तरीके सवारने के बहुत से मौके थे लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही रोहलिया जाने वाला है मकामी MLA को रोहलिया के सियासत में शामिल होने की इत्तला मिली और इतिया और दिया और रोहलिया को कत्ल करने का मशवरा दिया। वनाइका चित्रती के दिन अजवेर ने MLA को इनकोटर करके मार डाला और दोनों ने इसे कत्ल करने के लिए पौने की सड़कों पर रोहलिया का पीछा किया। रोहलिया ने जल्दी से सुद्दू को फोन किया और इनसे सबको मुतला करने को कहा। सुद्दू और रोहलिया बाजार पहुंच गए। दर इसने दत्ताराम भी कॉल करके राजुवेर को वाकया से आगाह करता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। रोहलिया अब छुप कर बाहर आती है और वो दोनों दिया इतिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्दू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी जिससे वो हलाक हो गया। इसने दोनों दिया इतिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्दू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी जिससे वो हलाक हो गया। इसने इनकशाफ किया कि वो मास्टर जी का पोता है और इसने बाजार में रोहलिया को कत्ल करके अपनी मरती हुई माँ से अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया था। इसके बाद रजुवेर का मुकाबला होता है और इतिया दिया को मार डालता है। जैसे ही रोहलिया की लाश का आखिरी रसूम होने वाला है हर कोई रोता है और दत्ताराम बेदिली से हंसता है क्योंकि इसे कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए रोहलिया के अल्फाज याद दिलाए जाते हैं। जैसे ही रजुवेर चलाया जाता है वो सोचता है कि रोहलिया को 300 एकड़ के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 6 फुट जमीन की जरूरत। और दोस्तों इस फिल्म को इसने डायरेक्ट किया है, उनका नाम है महेश, ओके महेश मंजर जी कर, एंड इसको राइटर जो है ना वो डायरेक्ट उन्होंने किया और राइटर भी उन्होंने किया, लेकिन इसका साथ दे रहे हैं अभिजीत और इसके साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ सलवी। इसमें जो स्टोरी जो है ना वो इस मूवी की जो स्टोरी है वो है परवीन ट्रेड की बेस्ड ऑन बुलशी, एंड इसके साथ बुलशी पैटर्न बाई परवीन ट्रेड, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, और इसमें जो है ना सलमान खान मेरे किरदार में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा, महिमा मखवाना, एंड इसके साथ जिशु, एंड इसके साथ वेल विल युषा डी सोजा। सिनेमाग्राफी जो है ना वो जिन्होंने की है वो है जी करण बी रावत, एडिट बाई बुनते नागी, म्यूजिक बाई रावी बुसरोर, एंड इसके साथ हितेश मद्दाक, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोस, रिलीज डेट इसकी 26 नवंबर 2021 की है और उसके रनिंग टाइम 135 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई 60 करोड़ का बिजनेस भी किया। अंतम द फाइनल ट्रुथ एक 2021 की हिंदुस्तानी
हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है जिसकी हिदायतकारी महेश मंजर यक्कर ने की है और इसे सलमान खान फिल्म ने प्रोड्यूस किया है। इसमें सलमान खान, आयुष शर्मा, महुमा अमोकाना और जुसु संगीविता ने काम किया है। ये फिल्म की कहानी जो है ना वो जी स्टूडियोज की तरफ से तकसीम किया गया। ये मराठी फिल्म मल्शी पैटर्न की मुवाफकत है और इस मूवी में आपको सलमान खान एक जो है ना सिख के रोल में नजर आएंगे जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के दरमियान होने वाले आमने सामने के गिर स्टोरी घूमती है। असल कहानी की तरफ नजर डालें तो इसमें किसानों के दरपेश मुश्किल हालात का पता चलता है जो उनमें से कुछ को जरम की तरफ धकेलता है। ये फिल्म थिएटर में 26 नवंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नाकदीन और सामीन की तरफ से मस्त जायजे मिले जिसमें शर्मा और खान की परफॉर्मेंस, कहानी, पस मंजर के स्क्वायर एक्शन सिक्वेंस और मंजर यक्कर की डायरेक्शन की तारीफ। अगर इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान बतौर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सिद्धू के रोल में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा बतौर राहुल के रोल में आपको नजर आएंगे, मेमा मकवाना बतौर मुंडू चारे राहुल की मोहब्बत की दिलचस्पी में नजर आएंगे, महेश मंजर यक्कर बहसत सत्युवान मफीतू व चारे के रोल में आपको नजर आएंगे, जुस्तु संगता बतौर पीतिया बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, निकितन धेर बतौर ध्या बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, सचिन गीत यक्कर बतौर दाताराम पटल राहिल के वालिद, छा यकदम बतौर धोपी पाटल, रोहित हलिद यक्कर बतौर गिनिया गोपाल, सिद्धि दिलवी बतौर सेमा पटल, प्रेम धर्मा ध्योकारी बतौर सरदार सुद्धू, इसके साथ सियाजी शुद्धे बतौर हेड कांस्टेबल आधे नोर्वे एंड वालू स्पॉटी सासु बतौर चिंगारी के रोल में आपको नजर आएंगे। अगर इस फिल्म की स्टोरी पर नजर डालें तो हमें ये स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये दास्तान एक आम आदमी किसान की जिंदगी के बारे में है जहाँ वो अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेत मजदूरी के तौर पर काम करने पर मजबूर है। ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुलिया पाटल के गिर्द घूमती है। इसके वालिद दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और वो अपनी जमीन में चौकीदार के तौर पर रह रहे थे। एक दिन जमींदार शांडे दत्ताराम और राहुलिया को मारता है वो अपनी जमीन वापस ले ले। जल्द ही इसका खानदान पुणे शिफ्ट हो गया जहां दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी में पोल्टर के तौर पर काम करते हैं। एक दिन मकामी गुंडे एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती पैसे बटोरते हैं। राहुलिया ने इन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया। वहां इसकी मुलाकात नानिया से होती है जो कि मकामी MLA की हिमायत से एक ताकतवर गैंगस्टर है। राहुलिया जेल से रहा होने के बाद नानिया के हाथ मिलाते ही इस दौरान इसे एक चाय बेचने वाले मुंडा से भी मोहब्बत हो जाती है। राहुलिया ने जल्द ही गलती से मेयर को कत्ल करने के बाद अपना नाम कमा लिया और नानिया ने गवाहों को झूठी शहादतों के साथ कत्ल को खुदकशी के तौर पर मन घट करके इसे दोबारा जमाना दे दी। राहुलिया अपनी नश्वरत के साथ सब्जी फरोशों के मसाइल को हल करने के लिए यह वादा करके वो मौजूदा कीमतों से ज़्यादा कीमतों पर इनके मसनूआत खरीदेंगे। अगरचे दुकानदारों की तरफ से इसकी तारीफ की जाती है लेकिन दत्ताराम इसे मुस्तरद करता है। जल्द ही राहुलिया नानिया के गैंग में एक अहम रुकन है। एक दिन पीतिया और दिया ने नानिया से शिकायत की कि वो राहुलिया के मास्टर जी की मलकियत वाली जमीन को जम करने में नाकाम रहे। राहुलिया अपना जाती स्कोर तय करता है और मास्टर जी को अपने खानदान के सामने गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नानिया मास्टर जी के चचा को कत्ल के तौर पर पेश करके इसकी जमानत देता है।
रोहिल्या को इसके ख़ानदान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इसे अपने घर से निकाल दिए है। अगरचे मुंडा को राहुल से डर लगता है लेकिन वो मानती है कि वो बेकसूर है। एक दिन नानिया ने रोहिल्या को अपनी सालगिरह की तकरीब में मदऊ किया। एक मोड़ में रोहिल्या ने इसे उस रात कत्ल कर दिया, ये मानते हुए कि इसने अपनी माँ और बहन को जिनसी तौर पर पेशगोई की है। एस आई रजवेर सिंह कत्ल का गवाह है। जिस्मानी झगड़े के बाद रोहिल्या को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद उस जमानत पर बाहर आता है। रोहिल्या अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई इससे डरता है। एक रात एक परीटीन एजर सरदात उर्फ सिद्धू रोहिल्या से मदद के लिए मिलने आता है। रोहिल्या ने इसे अपने भाई के तौर पर गोद लिया। दरअसना रजवेर रोहिल्या के ख़ानदान इन पर तरस खाता है और कानून के हाथ में लेने पर रोहिल्या को संगीन नतीज से खबरदार करता है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। रजवेर ने अब गैंगस्टर की किस्मत अपने ऊपर छोड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि एक दिन एक दूसरे से गैंग को मारने पर सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। वह गैंग के दोनों अरकान को एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर कत्ल करके बैन गैंग दुश्मनी को मजीद तेज करता है। रोहिल्या अगरचे एक अमीर आदमी खुद को तनहा महसूस करता है, जैसे ही वो बाजार जाता है दत्ताराम इसे हकीर समझता है। मुंडा के वालिद मुफीतो भी रोहिल्या पर चीखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में रोहिल्या ने इसे मारा। मुंडा फिर रोहिल्या को मारता है और इसके साथ टूट जाता है। रोहिल्या और भी खौफनाक गुंडा बन जाता है और वो भत्ताखोरी शुरू कर देता है। बहुत से लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और दत्ताराम की ज़मीन पर नज़रें फेर लेता है और शंडे को मार कर अपना बदला लेता है। एक पर जोश रोहिल्या ने दम दत्ताराम को खबर शेयर की, लेकिन रोहिल्या के ज़बरदस्ती तरीकों की वजह से वो हमेशा की तरह खुश नहीं है। ज़मीन की एक बस्ती के दौरान वो एक खुशकुन ख़ानदान से मिलता है जहाँ बाप को अपने बेटों की कामयाबी पर फख्र होता है। ये सुनने के बाद रोहिल्या का अब दिल बदल गया है। जैसे ही वो बाजार में वापस आता है दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने को कहता है और वो सियासत में शामिल हो जाता है। दत्ताराम का कहना है कि इसके पास अपने तरीके संवारने के बहुत से मौके थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही रोहिल्या जाने वाला है मकामी MLA को रोहिल्या के सियासत में शामिल होने की इत्तला मिली और इतिया और दिया को रोहिल्या को कत्ल करने का मशवरा दिया। वनाइका चतुर्थी के दिन रजवेर ने MLA को इनकोटर करके मार डाला और दोनों ने इसे कत्ल करने के लिए पुणे की सड़कों पर रोहिल्या का पीछा किया। रोहिल्या ने जल्दी से सिद्धू को फ़ोन किया और इनसे सबको मुतला करने को कहा। सिद्धू और रोहिल्या बाजार पहुंच गए। दरअसल दत्ताराम भी कॉल करके रजवेर को वाकया से आगाह करता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। रोहिल्या अब छुप कर बाहर आती है और वो दोनों दिया पितिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया रोहिल्या ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहिल्या को गोली मार दी जिससे वो हलाक हो गया। इसने दोनों दिया पितिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया रोहिल्या ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहिल्या को गोली मार दी जिससे वो हलाक हो गया। इसने इनकशाफ किया कि वो मास्टर जी का पोता है और इसने बाजार में रोहिल्या को कत्ल करके अपनी मरती हुई माँ से अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया था। इसके बाद रजवेर का मुकाबला होता है और पितिया दिया को मार डालता है।
जैसे ही रोहलिया की लाश आखिरी रसूम होने वाला है, हर कोई रोता है और दत्ताराम बेदिली से हंसता है, क्योंकि इसे कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए रोहलिया के अल्फाज याद दिलाए जाते हैं। जैसे ही जुवेर चलाया जाता है, वो सोचता है कि रोहलिया को 300 एकड़ के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 6 फुट जमीन की जरूरत। और दोस्तों, इस फिल्म को इसने डायरेक्ट किया है, उनका नाम है महेश, ओके, महेश मंजर जी कर, एंड इसको राइटर जो है ना वो डायरेक्टर उन्होंने किया, और राइटर भी उन्होंने किया, लेकिन इसका साथ दे रहे हैं अभिजीत, और इसके साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ सलवी। इसमें जो स्टोरी जो है ना वो इस मूवी की जो स्टोरी है वो है परवीन ट्रेड की, बेस्ड ऑन बुलशी, एंड इसके साथ बुलशी पैटर्न बाय परवीन ट्रेड, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, और इसमें जो है ना सलमान खान मेरे कर में आपको नज़र आएंगे, आयुष शर्मा, महिमा मखवाना, एंड इसके साथ जिशु, एंड इसके साथ वेल विल युषा डी सोजा। सिनेमाग्राफी जो है ना वो जिन्होंने की है वो है जी करण बी रावत, एडिट बाय बुनते नागी, म्यूजिक बाय रावि बुसरोर, एंड इसके साथ हितेश मद्दाक, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोस, रिलीज डेट इसकी 26 नवंबर 2021 की है, और उसके रनिंग टाइम 135 मिनट का है, कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 40 करोड़ की लागत आई, और इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई 60 करोड़ का बिजनेस भी किया। अंतम द फाइनल ट्रुथ एक 2021 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी महेश मंजर यकर ने की है, और इसे सलमान खान फिल्म ने प्रोड्यूस किया है। इसमें सलमान खान, आयुष शर्मा, महिमा अमवकाना और जुसु संगीविता ने काम किया है। ये फिल्म की कहानी जो है ना वो जी स्टूडियोज की तरफ से तकसीम किया गया, ये मराठी फिल्म मलशी पैटर्न की मुवाफकत है, और इस मूवी में आपको सलमान खान एक जो है ना सिख के रोल में नजर आएंगे, जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे, और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के दरमियान होने वाले आमने सामने के स्टोरी घूमती है। असल कहानी की तरफ नजर रहे तो इसमें किसानों के दरपेश मुश्किल हालात का पता चलता है, जो उनमें से कुछ को जन्म की तरफ धकेलता है। ये फिल्म थिएटर में 26 नवंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नागरिन और सामीन की तरफ से मस्त जायजे मिले, जिसमें शर्मा और खान की परफॉर्मेंस, कहानी, पस मंजर के स्क्वायर एक्शन सिक्वेंस और मंजर यक्कर की डायरेक्शन की तारीफ। अगर फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान बतौर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सिद्धू के रोल में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा बतौर राहुल के रोल में आपको नजर आएंगे, मेमा मकवाना बतौर मुंडू चारे राहुल की मोहब्बत की दिलचस्पी में नजर आएंगे, महेश मंजर यक्कर बहसते सत्युवान मफीतु वचारे के रोल में आपको नजर आएंगे, जुस्तु संगुप्ता बतौर पीतिया बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, निकितन धेर बतौर ध्या बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, सचिन गीत जक्कर बतौर दाताराम पटल राहिल के वालिद, छा यकदम बतौर धोपी पाटल, रोहित हलिद यक्कर बतौर गिनिया गोपाल, सिद्धि दिलवी बतौर सेमा पटल, प्रेम धर्मा ध्योकारी बतौर सरदार सुद्धू, इसके साथ सियाजी शुद्धे बतौर हेड कांस्टेबल आधे नोरवे, एंड वालू स्पॉटी सासू बतौर चिंगारी के रोल में आपको नजर आएंगे। अगर इस फिल्म की स्टोरी पर नजर डालें तो हमें ये स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये दास्तान एक आम आदमी किसान की जिंदगी के बारे में है, जहाँ वो अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेत मजदूरी के तौर पर काम करने पर मजबूर है। ऐसी ही एक कहानी रावल
राहुलिया पाटल के गिर्द घूमती है। इसके वालिद दत्ताराम ने भी अपनी ज़मीन बेच दी थी और वो अपनी ज़मीन में चौकीदार के तौर पर रह रहे थे। एक दिन जमींदार शांडे दत्ताराम और राहुलिया को मारता है वो अपनी ज़मीन वापस ले ले। जल्द ही इसका ख़ानदान पुणे शिफ्ट हो गया, जहां दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी में पोल्टर के तौर पर काम करते हैं। एक दिन मकामी गुंडे एक बूढ़े आदमी से ज़बरदस्ती पैसे बटोरते हैं। राहुलिया ने इन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया। वहां इसकी मुलाकात नानिया से होती है, जो कि मकामी MLA की हिमायत से एक ताकतवर गैंगस्टर है। राहुलिया जेल से रहा होने के बाद नानिया के हाथ मिलाते ही इस दौरान इसे एक चाय बेचने वाले मुंडा से भी मोहब्बत हो जाती है। राहुलिया ने जल्द ही गलती से मेयर को कत्ल करने के बाद अपना नाम कमा लिया और नानिया ने गवाहों को झूठी शहादतों के साथ कत्ल को खुदकशी के तौर पर मन घरट करके इसे दोबारा जमाना दे दी। राहुलिया अपनी नई शर्त के साथ सब्जी फरोशों के मसाइल को हल करने के लिए यह वादा करके वो मौजूदा कीमतों से ज़्यादा कीमतों पर इनके मसनूआत खरीदेंगे। अगरचे दुकानदारों की तारफ से इसकी तारीफ की जाती है, लेकिन दत्ताराम इसे मुस्तरद करता है। जल्द ही राहुलिया नानिया के गैंग में एक अहम रुकन है। एक दिन पीतिया और दिया ने नानिया से शिकायत की कि वो राहुलिया के मास्टर जी की मलकियत वाली ज़मीन को जम करने में नाकाम रहे। राहुलिया अपना जाति स्कोर तय करता है और मास्टर जी को अपने खानदान के सामने गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नानिया मास्टर जी के चचा को कत्ल के तौर पर पेश करके इसकी जमानत देता है। राहुलिया को इसके खानदान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इसे अपने घर से निकाल दिया है। अगरचे मुंडा को राहुल से डर लगता है, लेकिन वो मानती है कि वो बेकसूर है। एक दिन नानिया ने राहुलिया को अपनी सालगिरह की तकरीब में मौजूद किया। एक मोड़ में राहुलिया ने इसे उस रात कत्ल कर दिया, ये मानते हुए कि इसने अपनी माँ और बहन को जिनसी तौर पर पेशगोई की है। SI रजवेर सिंह कत्ल का गवाह है। जिस्मानी झगड़े के बाद राहुलिया को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद वो जमान पर बाहर आता है। राहुलिया अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई इससे डरता है। एक रात एक परीटीन एजर सरदात उर्फ सिद्धू राहुलिया से मदद के लिए मिलने आता है। राहुलिया ने इसे अपने भाई के तौर पर गोद लिया। दरअसना रजवेर राहुलिया के खानदान इन पर तरस खाता है और कानून के हाथ में लेने पर राहुलिया को संगीन नतीजे से खबरदार करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजवेर ने अब गैंगस्टर की किस्मत अपने ऊपर छोड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि एक दिन एक दूसरे से गैंग को मारने पर सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। वह गैंग के दोनों अरकान को एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर कत्ल करके बैन गैंग दुश्मनी को मजीद तेज करता है। राहुलिया अगरचे एक अमीर आदमी खुद को तनहा महसूस करता है, जैसे ही वो बाजार जाता है दत्ताराम इसे हकीर समझता है। मुंडा के वालिद मुफीतो भी राहुलिया पर चीखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में राहुलिया ने इसे मारा। मुंडा फिर राहुलिया को मारता है और इसके साथ टूट जाता है। राहुलिया और भी खौफनाक गुंडा बन जाता है और वो भत्ता खोरी शुरू कर देता है। बहुत से लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। वो दत्ताराम की ज़मीन पर नज़रें फेर लेता है और शंडे को मार कर अपना बदला लेता है। एक पर जोश राहुलिया ने दम दत्ताराम को खबर शेयर की, लेकिन राहुलिया के ज़बरदस्ती तरीकों की वजह से वो हमेशा की तरह खुश नहीं है। ज़मीन की एक बस्ती के दौरान वो एक खुशकुन
खानदान से मिलता है जहां बाप को अपने बेटों की कामयाबी पर फख्र होता है। ये सुनने के बाद रोहिल्या का अब दिल बदल गया है। जैसे ही वो बाजार में वापस आता है, दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने को कहता है और वो सियासत में शामिल हो जाता है। दत्ताराम का कहना है कि इसके पास अपने तरीके सवारने के बहुत से मौके थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही रोहिल्या जाने वाला है, मकामी MLA को रोहिल्या के सियासत में शामिल होने की इत्तला मिली और पितिया और दिया को रोहिल्या को कत्ल करने का मशवरा दिया। वनाइका चतुर्थी के दिन जुवेर ने MLA को इनकाउंटर करके मार डाला और दोनों ने इसे कत्ल करने के लिए पुणे की सड़कों पर रोहिल्या का पीछा किया। रोहिल्या ने जल्दी से सुद्धू को फोन किया और इनसे सबको मुतला करने को कहा। सुद्धू और रोहिल्या बाजार पहुंच गए। दरअसल ने दत्ताराम भी कॉल करके राजुवेर को वाकया से आगाह करता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। रोहिल्या अब छुप कर बाहर आती है और वो दोनों दिया पितिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहिल्या ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहिल्या को गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। इसने दोनों दिया पितिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहिल्या ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहिल्या को गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। इसने इनकशाफ किया कि वो मास्टर जी का पोता है और इसने बाजार में रोहिल्या को कत्ल करके अपनी मरती हुई माँ से अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया था। इसके बाद रजुवेर का मुकाबला होता है और पितिया दिया को मार डालता है। जैसे ही रोहिल्या की लाश का आखिरी रसूम होने वाला है, हर कोई रोता है और दत्ताराम भी दिली से हंसता है, क्योंकि इसे कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए रोहिल्या के अल्फाज याद दिलाए जाते हैं। जैसे ही रजुवेर चलाया जाता है, वो सोचता है कि रोहिल्या को 300 एकड़ के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 6 फुट जमीन की जरूरत। और दोस्तों, इस फिल्म को इसने डायरेक्ट किया है, उनका नाम है महेश। ओके, महेश मंजर जी कर, एंड इसको राइटर जो है ना वो डायरेक्ट उन्होंने किया और राइटर भी उन्होंने किया, इसका साथ दे रहे हैं अभी जीत और इसके साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ सलवी। इसमें जो स्टोरी जो है ना वो इस मूवी की जो स्टोरी है वो है परवीन ट्रेड की, बेस्ड ऑन बुलशी, एंड इसके साथ बुलशी पैटर्न बाय परवीन ट्रेड, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, और इसमें जो है ना सलमान खान मेरे करदार में आपको नज़र आएंगे, आयुष शर्मा, महिमा मखवाना, एंड इसके साथ जिशु, एंड इसके साथ वेल विल युषा डी सोजा। सिनेमेटोग्राफी जो है ना वो जिन्होंने की है वो है जी करण बी रवात, एडिट बाई बुनते नागी, म्यूजिक बाई रावी बुसरोर, एंड इसके साथ हितेश मद्दाक, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोस, रिलीज डेट इसकी 26 नवंबर 2021 की है और उसके रनिंग टाइम 135 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म की जो लागत आई वो 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई 60 करोड़ का बिजनेस भी किया। अंतम द फाइनल ट्रुथ एक 2021 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी महेश मंजर यकर ने की है और इसे सलमान खान फिल्म ने प्रोड्यूस किया है। इसमें सलमान खान, आयुष शर्मा, महिमा अमोकाना और जुसु संगीविता ने काम किया है। ये फिल्म की कहानी जो है ना वो जी स्टूडियोज की तरफ से तकसीम किया गया। ये मराठी फिल्म मलशी पैटर्न की मुवाफ़कत
है। और इस मूवी में आपको सलमान खान एक जो है ना सिख के रोल में नजर आएंगे, जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे, और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के दरमियान होने वाले आमने सामने के गिर स्टोरी घूमती है। असल कहानी की तरफ नजर डालें तो इसमें किसानों के दरपेश मुश्किल हालात का पता चलता है, जो उनमें से कुछ को जन्म की तरफ धकेलता है। ये फिल्म थिएटर में 26 नवंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नागरिन और सामीन की तरफ से मस्त जायजे मिले, जिसमें शर्मा और खान की परफॉर्मेंस, कहानी, पस मंजर के स्क्वायर एक्शन सिक्वेंस और मंजर यक्कर की डायरेक्शन की तारीफ की। अगर इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान बतौर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सिद्धू के रोल में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा बतौर राहुल के रोल में आपको नजर आएंगे, मेमा मकवाना बतौर मुंडू चारे राहुल की मोहब्बत की दिलचस्पी में नजर आएंगे, महेश मंजर यक्कर बहसत सत्युवान मफीतू व चारे के रोल में आपको नजर आएंगे, जस्तु संगवता बतौर पीतिया बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, निकितन धेर बतौर ध्या बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, सचिन गीत जक्कर बतौर दाताराम पटल राहिल के वालिद, छा यकदम बतौर धोपी पाटल, रोहित हलिद यक्कर बतौर गिनिया गोपाल, सिद्धि दिलवी बतौर सेमा पटल, प्रेम धर्मा ध्योकारी बतौर सरदार सुद्धू, इसके साथ सियाजी शुद्धे बतौर हेड कांस्टेबल आधे नोर्वे एंड वालू स्पॉटी सासु बतौर चिंगारी के रोल में आपको नजर आएंगे। अगर इस फिल्म की स्टोरी पर नजर डालें तो हमें ये स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये दास्तान एक आम आदमी किसान की जिंदगी के बारे में है, जहां वो अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेत मजदूरी के तौर पर काम करने पर मजबूर है। ऐसी ही एक कहानी राहुलिया पाटल के गिर्द घूमती है। इसके वालिद दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और वो अपनी जमीन में चौकीदार के तौर पर रह रहे थे। एक दिन जमींदार शांडे दत्ताराम और राहुलिया को मारता है वो अपनी जमीन वापस ले। जल्द ही इसका खानदान पुणे शिफ्ट हो गया, जहां दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी में पोल्टर के तौर पर काम करते हैं। एक दिन मकामी गुंडे एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती पैसे बटोरते हैं। राहुलिया ने इन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया। वहां इसकी मुलाकात नानिया से होती है, जो कि मकामी MLA की हिमायत से एक ताकतवर गैंगस्टर है। राहुलिया जेल से रहा होने के बाद नानिया के हाथ मिलाते ही इस दौरान इसे एक चाय बेचने वाले मुंडा से भी मोहब्बत हो जाती है। राहुलिया ने जल्द ही गलती से मेयर को कत्ल करने के बाद अपना नाम कमा लिया और नानिया ने गवाहों को झूठी शहादतों के साथ कत्ल को खुदकशी के तौर पर मन घट करके इसे दोबारा जमाना दे दी। राहुलिया अपनी नशरत के साथ सब्जी फरोशों के मसाइल को हल करने के लिए यह वादा करके वो मौजूदा कीमतों से ज़्यादा कीमतों पर इनके मसनूआत खरीदेंगे। अगरचे दुकानदारों की तारफ से इसकी तारीफ की जाती है, लेकिन दत्ताराम इसे मुस्तरद करता है। जल्द ही राहुलिया नानिया के गैंग में एक अहम रुकन है। एक दिन पीतिया और दिया ने नानिया से शिकायत की कि वो राहुलिया के मास्टर जी की मलकियत वाली जमीन को जम करने में नाकाम रहे। राहुलिया अपना जाति स्कोर तय करता है और मास्टर जी को अपने खानदान के सामने गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नानिया मास्टर जी के चचा को कत्ल के तौर पर पेश करके इसकी जमानत देता है। राहुलिया को इसके खानदान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इसे अपने घर से निकाल दिए है। अगरचे मुंडा को राहुल से डर लगता है, लेकिन वो मानती है कि वो बेकसूर है। एक दिन नानिया ने राहुलिया को अपनी सालगिरह की तकरीब में मधु किया। एक मोड़ में राहुलिया ने इसे उस रात कत्ल कर दिया।
ये मानते हुए कि इसने अपनी माँ और बहन को जिनसी तौर पर पेशगोई की है। एस आई रजवेर सिंह कत्ल का गवाह है। जिस्मानी झगड़े के बाद रोहलिया को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद वो जमानत पर बाहर आता है। रोहलिया अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई इससे डरता है। एक रात एक परीटीन एजर सरदात उर्फ सिद्धू रोहलिया से मदद के लिए मिलने आता है। रोहलिया ने इसे अपने भाई के तौर पर गोद लिया। दरेसना रजवेर रोहलिया के खानदान इन पर तरस खाता है और कानून के हाथ में लेने पर रोहलिया को संगीन नतीज से खबरदार करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजवेर ने अब गैंगस्टर की किस्मत अपने ऊपर छोड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि एक दिन एक दूसरे से गैंग को मारने पर सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। वह गैंग के दोनों अरकान को एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर कत्ल करके बैन गैंग दुश्मनी को मजीद तेज करता है। रोहलिया अगरचे एक अमीर आदमी खुद को तनहा महसूस करता है, जैसे ही वो बाजार जाता है दत्ताराम इसे हकीर समझता है। मुंडा के वालिद मुफीतो भी रोहलिया पर चीखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में रोहलिया ने इसे मारा। मुंडा फिर रोहलिया को मारता है और इसके साथ टूट जाता है। रोहलिया और भी खौफनाक गुंडा बन जाता है और वो भत्ताखोरी शुरू कर देता है। बहुत से लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है और दत्ताराम की ज़मीन पर नज़रें फेर लेता है और शंडे को मार कर अपना बदला लेता है। एक पर जोश रोहलिया ने दम दत्ताराम को खबर शेयर की, लेकिन रोहलिया के ज़बरदस्ती तरीकों की वजह से वो हमेशा की तरह खुश नहीं है। ज़मीन की एक बस्ती के दौरान वो एक खुशकुन खानदान से मिलता है जहाँ बाप को अपने बेटों की कामयाबी पर फख्र होता है। ये सुनने के बाद रोहलिया का अब दिल बदल गया है। जैसे ही वो बाजार में वापस आता है दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने को कहता है और वो सियासत में शामिल हो जाता है। दत्ताराम का कहना है कि इसके पास अपने तरीके संवारने के बहुत से मौके थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही रोहलिया जाने वाला है मकामी MLA को रोहलिया के सियासत में शामिल होने की इत्तला मिली और इतिया और दिया को रोहलिया को कत्ल करने का मशवरा दिया। वनाइका चतुर्थी के दिन रजवेर ने MLA को इनकाउंटर करके मार डाला और दोनों ने इसे कत्ल करने के लिए पौने की सड़कों पर रोहलिया का पीछा किया। रोहलिया ने जल्दी से सिद्धू को फोन किया और इनसे सबको मुतला करने को कहा। सिद्धू और रोहलिया बाजार पहुंच गए। दरअसल दत्ताराम भी कॉल करके रजवेर को वाकया से आगाह करता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। रोहलिया अब छुप कर बाहर आती है और वो दोनों दिया इतिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी जिससे वो हलाक हो गया। इसने दोनों दिया पीतिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी जिससे वो हलाक हो गया। इसने इनकशाफ किया कि वो मास्टर जी का पोता है और इसने बाजार में रोहलिया को कत्ल करके अपनी मरती हुई माँ से अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया था। इसके बाद रजवेर का मुकाबला होता है और इतिया दिया को मार डालता है। जैसे ही रोहलिया की लाश का आखिरी रसूम होने वाला है हर कोई रोता है और दत्ताराम बेदिली से हंसता है क्योंकि इसे कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए रोहलिया के अल्फाज याद दिलाए जाते हैं। जैसे ही रजवेर चलाया जाता है वो सोचता है कि रोहलिया को 300 एकड़ के
मालिक होने के बावजूद सिर्फ 6 फुट जमीन की जरूरत। और दोस्तों इस फिल्म को इसने डायरेक्ट किया है, उनका नाम है महेश, ओके महेश मंजरजीकर। एंड इसको राइटर जो है ना वो डायरेक्ट उन्होंने किया और राइटर भी उन्होंने किया, लेकिन इसका साथ दे रहे हैं अभिजीत और इसके साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ सलवी। इसमें जो स्टोरी जो है ना वो इस मूवी की जो स्टोरी है वो है परवीन ट्रेड की, बेस्ड ऑन बुलशी एंड इसके साथ बुलशी पैटर्न बाई परवीन ट्रेड, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान। और इसमें जो है ना सलमान खान मेरे में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा, महिमा मखवाना एंड इसके साथ जिशु एंड इसके साथ विल युशा डी सोजा। सिनेमेटोग्राफी जो है ना वो जिन्होंने की है वो है जी करण बी रावत, एडिट बाई बुनते नागी, म्यूजिक बाई रावि बुसरोर एंड इसके साथ हितेश मद्दाक, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोज, रिलीज डेट इसकी 26 नवंबर 2021 की है और उसके रनिंग टाइम 135 मिनट का है, कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई 60 करोड़ का बिजनेस भी किया। अंतम द फाइनल ट्रुथ एक 2021 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है जिसकी हिदायतकारी महेश मंजरजीकर ने की है और इसे सलमान खान फिल्म ने प्रोड्यूस किया है। इसमें सलमान खान, आयुष शर्मा, महिमा अमवाना और जुसु संगीविता ने काम किया है। ये फिल्म की कहानी जो है ना वो जी स्टूडियोज की तरफ से तकसीम किया गया। ये मराठी फिल्म मलशी पैटर्न की मुवाफकत है और इस मूवी में आपको सलमान खान एक जो है ना सिख के रोल में नजर आएंगे जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के दरमियान होने वाले आमने सामने के गिर स्टोरी घूमती है। असल कहानी की तरफ नजर रहे तो इसमें किसानों के दरपेश मुश्किल हालात का पता चलता है जो उनमें से कुछ को जरम की तरफ धकेलता है। ये फिल्म थिएटर में 26 नवंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नागरिन और सामीन की तरफ से मस्त जायजे मिले जिसमें शर्मा और खान की परफॉर्मेंस, कहानी, पस मंजर के स्क्वायर एक्शन सिक्वेंस और मंजर यक्कर की डायरेक्शन की तारीफ। अगर फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान बतौर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सिद्धू के रोल में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा बतौर राहुल के रोल में आपको नजर आएंगे, मेमा मकवाना बतौर मुंडू चारे राहुल की मोहब्बत की दिलचस्पी में नजर आएंगे, महेश मंजर यक्कर बहसत सत्युवान मफीतू व चारे के रोल में आपको नजर आएंगे, जस्तु संगवता बतौर पीतिया बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, निकितन धेर बतौर ध्या बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, सचिन गीत जक्कर बतौर दाताराम पट्टल राहिल के वालिद, छा यकदम बतौर धोपी पाटल, रोहित हलिद यक्कर बतौर गिनिया गोपाल, सिद्धि दिलवी बतौर सेमा पट्टल, प्रेम धर्मा ध्योकारी बतौर सरदार सुद्धू, इसके साथ सियाजी शुद्धे बतौर हेड कांस्टेबल आधे नोरवे एंड वालू स्पॉटी सासु बतौर चिंगारी के रोल में आपको नजर आएंगे। अगर इस फिल्म की स्टोरी पर नजर डालें तो हमें ये स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये दास्तान एक आम आदमी किसान की जिंदगी के बारे में है जहाँ वो अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेत मजदूरी के तौर पर काम करने पर मजबूर है। ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुलिया पाटल के गिर्द घूमती है। इसके वालिद दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और वो अपनी जमीन में चौकीदार के तौर पर रह रहे थे। एक दिन जमींदार शांडे दत्ताराम और राहुलिया को मारता है वो अपनी जमीन वापस ले ले। जल्द ही इसका खानदान
पुणे शिफ्ट हो गया, जहां दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी में पोल्टर के तौर पर काम करते थे। एक दिन मकामी गुंडे एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती पैसे बटोरते हैं। राहुलिया ने इन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया। वहां इसकी मुलाकात नानिया से होती है, जो कि मकामी MLA की हिमायत से एक ताकतवर गैंगस्टर है। राहुलिया जेल से रहा होने के बाद नानिया के हाथ मिलाते ही इस दौरान इसे एक चाय बेचने वाले मुंडा से भी मोहब्बत हो जाती है। राहुलिया ने जल्द ही गलती से मेयर को कत्ल करने के बाद अपना नाम कमा लिया और नानिया ने गवाहों को झूठी शहादतों के साथ कत्ल को खुदकशी के तौर पर मन घट करके इसे दोबारा जमाना दे दी। राहुलिया अपनी नश्वरत के साथ सब्जी फरोशों के मसाइल को हल करने के लिए यह वादा करके वो मौजूदा कीमतों से ज़्यादा कीमतों पर इनके मसनूआत खरीदेंगे। अगरचे दुकानदारों की तारफ से इसकी तारीफ की जाती है, लेकिन दत्ताराम इसे मुस्तरद करता है। जल्द ही राहुलिया नानिया के गैंग में एक अहम रुकन है। एक दिन पीतिया और दिया ने नानिया से शिकायत की कि वो राहुलिया के मास्टर जी की मलकियत वाली जमीन को जम करने में नाकाम रहे। राहुलिया अपना जाती स्कोर तय करता है और मास्टर जी को अपने खानदान के सामने गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नानिया मास्टर जी के चचा को कत्ल के तौर पर पेश करके इसकी जमानत देता है। राहुलिया को इसके खानदान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इसे अपने घर से निकाल दिया है। अगरचे मुंडा को राहुल से डर लगता है, लेकिन वो मानती है कि वो बेकसूर है। एक दिन नानिया ने राहुलिया को अपनी सालगिरह की तकरीब में मधु किया। एक मोड़ में राहुलिया ने इसे उस रात कत्ल कर दिया, ये मानते हुए कि इसने अपनी माँ और बहन को जिनसी तौर पर पेशगोई की है। SI रजवेर सिंह कत्ल का गवाह है। जिस्मानी झगड़े के बाद राहुलिया को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद वो जमान पर बाहर आता है। राहुलिया अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई इससे डरता है। एक रात एक परीटीन एजर सरदात उर्फ सिद्धू राहुलिया से मदद के लिए मिलने आता है। राहुलिया ने इसे अपने भाई के तौर पर गोद लिया। तरेसना रजवेर राहुलिया के खानदान इन पर तरस खाता है और कानून के हाथ में लेने पर राहुलिया को संगीन नतीजे से खबरदार करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजवेर ने अब गैंगस्टर की किस्मत अपने ऊपर छोड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि एक दिन एक दूसरे से गैंग को मारने पर सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। वह गैंग के दोनों अरकान को एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर कत्ल करके बैन गिंग दुश्मनी को मजीद तेज करता है। राहुलिया अगरचे एक अमीर आदमी खुद को तनाव महसूस करता है, जैसे ही वो बाजार जाता है दत्ताराम इसे हकीर समझता है। मुंडा के वालिद मुफीतो भी राहुलिया पर चीखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में राहुलिया ने इसे मारा। मुंडा फिर राहुलिया को मारता है और इसके साथ टूट जाता है। राहुलिया और भी खौफनाक गुंडा बन जाता है और वो भत्ताखोरी शुरू कर देता है। बहुत से लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता है और दत्ताराम की जमीन पर नजरें फेर लेता है और शंडे को मार कर अपना बदला लेता है। एक पर जोश राहुलिया ने दम दत्ताराम को खबर शेयर की, लेकिन राहुलिया के जबरदस्ती तरीकों की वजह से वो हमेशा की तरह खुश नहीं है। जमीन की एक बस्ती के दौरान वो एक खुशकुन खानदान से मिलता है, जहां बाप को अपने बेटों की कामयाबी पर फख्र होता है। ये सुनने के बाद राहुलिया का अब दिल बदल गया है। जैसे ही वो बाजार में वापस आता है दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने को कहता है और वो सियासत में शामिल हो जाता है।
तत्ताराम का कहना है कि इसके पास अपने तरीके सवारने के बहुत से मौके थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही रोहिलिया जाने वाला है, मकामी MLA को रोहिलिया के सियासत में शामिल होने की इतला मिली और पितिया और दिया को रोहिलिया को कत्ल करने का मशवरा दिया। वनाइका चतुर्थी के दिन जुवेर ने MLA को इनकोटर करके मार डाला और दोनों ने इसे कत्ल करने के लिए पुणे की सड़कों पर रोहिलिया का पीछा किया। रोहिलिया ने जल्दी से सुद्धू को फोन किया और इनसे सबको मुतला करने को कहा। सुद्धू और रोहिलिया बाजार पहुंच गए। दर इसने दत्ताराम भी कॉल करके राजुवेर को वाकया से आगाह करता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। रोहिलिया अब छुप कर बाहर आती है और वो दोनों दिया पितिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहिलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहिलिया को गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। इसने दोनों दिया पितिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहिलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहिलिया को गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। इसने इनकशाफ किया कि वो मास्टर जी का पोता है और इसने बाजार में रोहिलिया को कत्ल करके अपनी मरती हुई माँ से अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया था। इसके बाद रजुवेर का मुकाबला होता है और पितिया दिया को मार डालता है। जैसे ही रोहिलिया की लाश का आखिरी रसूम होने वाला है, हर कोई रोता है और दत्ताराम भी दिली से हंसता है, क्योंकि इसे कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए रोहिलिया के अल्फाज याद दिलाए जाते हैं। जैसे ही रजुवेर चलाया जाता है, वो सोचता है कि रोहिलिया को 300 एकड़ के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 6 फुट जमीन की जरूरत। और दोस्तों, इस फिल्म को इसने डायरेक्ट किया है, उनका नाम है महेश, ओके, महेश मंजर जी कर, एंड इसको राइटर जो है ना वो डायरेक्ट उन्होंने किया और राइटर भी उन्होंने किया, लेकिन इसके साथ दे रहे हैं अभी जीत और इसके साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ सलवी। इसमें जो स्टोरी जो है ना वो इस मूवी की जो स्टोरी है वो है परवीन ट्रेड की, बेस्ड ऑन बुलशी एंड इसके साथ बुलशी पैटर्न बाय परवीन ट्रेड, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, और इसमें जो है ना सलमान खान मेरे आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा, महिमा मखवाना एंड इसके साथ जिशु एंड इसके साथ वेल विल युषा डी सोजा। सिनेमाग्राफी जो है ना वो जिन्होंने की है वो है जी करण बी रावत, एडिट बाय बुनते नागी, म्यूजिक बाय रावि बुसरोर एंड इसके साथ हितेश मद्दाक, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोस, रिलीज डेट इसकी 26 नवंबर 2021 की है और उसके रनिंग टाइम 135 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म की जो लागत आई वो 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई 60 करोड़ का बिजनेस भी किया। अंतम द फाइनल ट्रुथ एक 2021 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है, जिसकी हिदायतकारी महेश मंजर यकर ने की है और इसे सलमान खान फिल्म ने प्रोड्यूस किया है। इसमें सलमान खान, आयुष शर्मा, महिमा अमोकाना और जुसु संगीविता ने काम किया है। ये फिल्म की कहानी जो है ना वो जी स्टूडियोज की तरफ से तकसीम किया गया। ये मराठी फिल्म मलशी पैटर्न की मुवाफकत है और इस मूवी में आपको सलमान खान एक जो है ना सिख के रोल में नजर आएंगे, जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे, और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के दरमियान होने वाले आमने सामने के गिर स्टोरी घूमती है। असल कहानी की तरफ नजर रहे तो इसमें किसानों के दरपेश मुश्किल हालात का पता चलता है, जो उनमें से कुछ को जन्म की तरफ धकेलता है। ये फिल्म
थिएटर में 26 नवंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी, जिसे नागरीन और सामीन की तरफ से मस्त जायजे मिले, जिसमें शर्मा और खान की परफॉर्मेंस, कहानी, पस मंजर के स्क्वायर एक्शन सीक्वेंस और मंजर यक्कर की डायरेक्शन की तारीफ की। अगर इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान बतौर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सिद्धू के रोल में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा बतौर राहुल के रोल में आपको नजर आएंगे, मेमा मकवाना बतौर मुंडू चारे राहुल की मोहब्बत की दिलचस्पी में नजर आएंगे, महेश मंजर यक्कर बहसते सत्युवान मफीतू व चारे के रोल में आपको नजर आएंगे, जस्तु संगवता बतौर पीतिया बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, निकितन धेर बतौर ध्या बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, सचिन गीत यक्कर बतौर दाताराम पटल राहिल के वालिद, छा यकदम बतौर धोपी पाटल, रोहित हलिद यक्कर बतौर गिनिया गोपाल, सिद्धि दिलवी बतौर सेमा पटल, प्रेम धर्मा ध्योकारी बतौर सरदार सुद्धू, इसके साथ सियाजी शुद्धे बतौर हेड कांस्टेबल आधे नोरवे एंड वालू स्पॉटी सासु बतौर चिंगारी के रोल में आपको नजर आएंगे। अगर इस फिल्म की स्टोरी पर नजर डालें तो हमें ये स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये दास्तान एक आम आदमी किसान की जिंदगी के बारे में है, जहां वो अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेत मजदूरी के तौर पर काम करने पर मजबूर है। ऐसी ही एक कहानी राहुल राहुलिया पाटल के गिर्द घूमती है। इसके वालिद दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और वो अपनी जमीन में चौकीदार के तौर पर रह रहे थे। एक दिन जमींदार शांडे दत्ताराम और राहुलिया को मारता है वो अपनी जमीन वापस ले ले। जल्द ही इसका खानदान पुणे शिफ्ट हो गया, जहां दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी में पोल्टर के तौर पर काम करते हैं। एक दिन मकामी गुंडे एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती पैसे बटोरते हैं। राहुलिया ने इन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया। वहां इसकी मुलाकात नानिया से होती है, जो कि मकामी MLA की हिमायत से एक ताकतवर गैंगस्टर है। राहुलिया जेल से रहा होने के बाद नानिया के हाथ मिलाते ही इस दौरान इसे एक चाय बेचने वाले मुंडा से भी मोहब्बत हो जाती है। राहुलिया ने जल्द ही गलती से मेयर को कत्ल करने के बाद अपना नाम कमा लिया और नानिया ने गवाहों को झूठी शहादतों के साथ कत्ल को खुदकशी के तौर पर मन घट करके इसे दोबारा जमाना दे दी। राहुलिया अपनी नई शर्त के साथ सब्जी फरोशों के मसाइल को हल करने के लिए यह वादा करके वो मौजूदा कीमतों से ज़्यादा कीमतों पर इनके मसनूआत खरीदेंगे। अगरचे दुकानदारों की तरफ से इसकी तारीफ की जाती है, लेकिन दत्ताराम इसे मुस्तरद करता है। जल्द ही राहुलिया नानिया के गैंग में एक अहम रुकन है। एक दिन पीतिया और दिया ने नानिया से शिकायत की कि वो राहुलिया के मास्टर जी की मलकियत वाली जमीन को जम करने में नाकाम रहे। राहुलिया अपना जाति स्कोर तय करता है और मास्टर जी को अपने खानदान के सामने गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नानिया मास्टर जी के चचा को कत्ल के तौर पर पेश करके इसकी जमानत देता है। राहुलिया को इसके खानदान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इसे अपने घर से निकाल दिए है। अगरचे मुंडा को राहुल से डर लगता है, लेकिन वो मानती है कि वो बेकसूर है। एक दिन नानिया ने राहुलिया को अपनी सालगिरह की तकरीब में मौजूद किया। एक मोड़ में राहुलिया ने इसे उस रात कत्ल कर दिया, ये मानते हुए कि इसने अपनी माँ और बहन को जिनसी तौर पर पेशगोई की है। SI राजवीर सिंह कत्ल का गवाह है। जिस्मानी झगड़े के बाद राहुलिया को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद उस जमानत पर बाहर आता है। राहुलिया अब शहर का गैंगस्टर है,
और हर कोई इससे डरता है। एक रात एक परी टीन एजर सरदात उर्फ सिद्धू रोहलिया से मदद के लिए मिलने आता है। रोहलिया ने इसे अपने भाई के तौर पर गोद लिया। दरेसना और जवेर रोहलिया के खानदान इन पर तरस खाता है और कानून के हाथ में लेने पर रोहलिया को संगीन नतीजे से खबरदार करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजवेर ने अब गैंगस्टर की किस्मत अपने ऊपर छोड़ने का फैसला किया, ये जानते हुए कि एक दिन एक दूसरे से गैंग को मारने पर सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। वह गैंग के दोनों अरकान के अरकान को एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर कत्ल करके बैन गैंग दुश्मनी को मजीद तेज करता है। रोहलिया अगरचे एक अमीर आदमी खुद को तनहा महसूस करता है, जैसे ही वो बाजार जाता है दत्ताराम इसे हकीर समझता है। मुंडा के वालिद मुफीतो भी रोहलिया पर चीखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में रोहलिया ने इसे मारा। मुंडा फिर रोहलिया को मारता है और इसके साथ टूट जाता है। रोहलिया और भी खौफनाक गुंडा बन जाता है और वो भत्ता खोरी शुरू कर देता है। बहुत से लोगों की ज़मीन पर कब्जा कर लेता है। वो दत्ताराम की ज़मीन पर नज़रें फेर लेता है और शंडे को मार कर अपना बदला लेता है। एक पर जोश रोहलिया ने दम दत्ताराम को खबर शेयर की, लेकिन रोहलिया के ज़बरदस्ती तरीकों की वजह से वो हमेशा की तरह खुश नहीं है। ज़मीन की एक बस्ती के दौरान वो एक खुश कुन खानदान से मिलता है, जहां बाप को अपने बेटों की कामयाबी पर फख्र होता है। ये सुनने के बाद रोहलिया का अब दिल बदल गया है। जैसे ही वो बाजार में वापस आता है दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने को कहता है और वो सियासत में शामिल हो जाता है। दत्ताराम का कहना है कि इसके पास अपने तरीके सवारने के बहुत से मौके थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही रोहलिया जाने वाला है, मकामी MLA को रोहलिया के सियासत में शामिल होने की इत्तला मिली और इतिया और दिया को रोहलिया को कत्ल करने का मशवरा दिया। वनाइका चतुर्थी के दिन रजवेर ने MLA को इनकोटर करके मार डाला और दोनों ने इसे कत्ल करने के लिए पौने की सड़कों पर रोहलिया का पीछा किया। रोहलिया ने जल्दी से सिद्धू को फ़ोन किया और इनसे सबको मुतला करने को कहा। सिद्धू और रोहलिया बाजार पहुंच गए। दरअसल दत्ताराम भी कॉल करके रजवेर को वाकया से आगाह करता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। रोहलिया अब छुप कर बाहर आती है और वो दोनों दिया इतिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। इसने दोनों दिया इतिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। इसने इनकशाफ किया कि वो मास्टर जी का पोता है और इसने बाजार में रोहलिया को कत्ल करके अपनी मरती हुई माँ से अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया था। इसके बाद रजवेर का मुकाबला होता है और इतिया दिया को मार डालता है। जैसे ही रोहलिया की लाश का आखिरी रसूम होने वाला है, हर कोई रोता है और दत्ताराम बेदिली से हंसता है, क्योंकि इसे कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए रोहलिया के अल्फाज याद दिलाए जाते हैं। जैसे ही रजवेर चलाया जाता है, वो सोचता है कि रोहलिया को 300 एकड़ के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 6 फुट ज़मीन की ज़रूरत। और दोस्तों, इस फिल्म को इसने डायरेक्ट किया है, उनका नाम है महेश, ओके, महेश मंजर जी कर, एंड इसको राइटर जो है ना वो डायरेक्ट उन्होंने किया और राइटर भी उन्होंने किया, लेकिन इसका साथ दे रहे हैं अभिजीत और इसके साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ सलवी,
इसमें जो स्टोरी जो है ना, वो इस मूवी की जो स्टोरी है वो है परवेन ट्रेड की, बेस्ड ऑन बुलशी एंड इसके साथ बुलशी पैटर्न बाय परवीन ट्रेड, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, और इसमें जो है ना सलमान खान मेरे करदार में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा, महिमा मखवाना एंड इसके साथ जिशु एंड इसके साथ वेल विल युषा डी सोजा। सिनेमेटोग्राफी जो है ना वो जिन्होंने की है वो है जी करण बी रावत, एडिट बाई बुनते नागी, म्यूजिक बाई रावी बुसरोर एंड इसके साथ हितेश मद्दाक, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाई जी स्टूडियोज, रिलीज डेट इसकी 26 नवंबर 2021 की है और उसके रनिंग टाइम 135 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म की ऊपर जो लागत आई वो 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई 60 करोड़ का बिजनेस भी किया। अंतम द फाइनल ट्रुथ एक 2021 की हिंदुस्तानी हिंदी जबान की एक्शन फिल्म है जिसकी हिदायतकारी महेश मंजर यकर ने की है और इसे सलमान खान फिल्म ने प्रोड्यूस किया है। इसमें सलमान खान, आयुष शर्मा, महिमा अमोकाना और जुसु संगीविता ने काम किया है। ये फिल्म की कहानी जो है ना वो जी स्टूडियोज की तरफ से तकसीम किया गया। ये मराठी फिल्म मलशी पैटर्न की मुवाफकत है और इस मूवी में आपको सलमान खान एक जो है ना सिख के रोल में नजर आएंगे जो कि पुलिस ऑफिसर होंगे और एक गैंगस्टर आयुष शर्मा के दरमियान होने वाले आमने सामने के स्टोरी घूमती है। असल कहानी की तरफ नजर रहे तो इसमें किसानों के दरपेश मुश्किल हालात का पता चलता है जो उनमें से कुछ को जरम की तरफ धकेलता है। ये फिल्म थिएटर में 26 नवंबर 2021 को दुनिया भर में रिलीज हुई थी। इसे नागरिन और सामीन की तरफ से मस्त जायजे मिले जिसमें शर्मा और खान की परफॉर्मेंस, कहानी, पस मंजर के स्क्वायर एक्शन सिक्वेंस और मंजर यक्कर की डायरेक्शन की तारीफ। अगर इस फिल्म की कास्ट की बात करें तो इस फिल्म में सलमान खान बतौर इंस्पेक्टर राजवीर सिंह सिद्धू के रोल में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा बतौर राहुल के रोल में आपको नजर आएंगे, मेमा मकवाना बतौर मुंडू चारे राहुल की मोहब्बत की दिलचस्पी में नजर आएंगे, महेश मंजर यक्कर बहसत सत्युवान मफीतू वचारे के रोल में आपको नजर आएंगे, जुस्तु संगवता बतौर पीतिया बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, निकितन धेर बतौर ध्या बागरे के रोल में आपको नजर आएंगे, सचिन गीत यक्कर बतौर दाताराम पटल राहिल के वालिद, छा यकदम बतौर धोपी पाटल, रोहित हलिद यक्कर बतौर गिनिया गोपाल, सिद्धि दिलवी बतौर सेमा पटल, प्रेम धर्मा ध्योकारी बतौर सरदार सुद्धू, इसके साथ सियाजी शुद्धे बतौर हेड कांस्टेबल आदे नोरवे एंड वालू स्पॉटी सासु बतौर चिंगारी के रोल में आपको नजर आएंगे। अगर इस फिल्म की स्टोरी पर नजर डालें तो हमें ये स्टोरी में देखने को मिलेगा कि ये दास्तान एक आम आदमी किसान की जिंदगी के बारे में है जहां वो अपनी जमीन बेचने और अपनी ही जमीन में खेत मजदूरी के तौर पर काम करने पर मजबूर है। ऐसी ही एक कहानी रावल रहुलिया पाटल के गिर्द घूमती है। इसके वालिद दत्ताराम ने भी अपनी जमीन बेच दी थी और वो अपनी जमीन में चौकीदार के तौर पर रह रहे थे। एक दिन जिम्मेदार शांडे दत्ताराम और रहुलिया को मारता है वो कि वो अपनी जमीन वापस ले ले। जल्द ही इसका खानदान पुणे शिफ्ट हो गया जहां दोनों बाप बेटा सब्जी मंडी में पोल्टर के तौर पर काम करते हैं। एक दिन मकामी गुंडे एक बूढ़े आदमी से जबरदस्ती पैसे बटोरते हैं। रहुलिया ने इन्हें मारा पीटा और जेल में डाल दिया। वहां इसकी मुलाकात नानिया से होती है जो कि मकामी
MLA की हिमायत से एक ताकतवर गैंगस्टर है। राहुलिया जेल से रहा होने के बाद नानिया के हाथ मिलाते ही इस दौरान इसे एक चाय बेचने वाले मुंडा से भी मोहब्बत हो जाती है। राहुलिया ने जल्द ही गलती से मेयर को कत्ल करने के बाद अपना नाम कमा लिया और नानिया ने गवाहों को झूठी शहादतों के साथ कत्ल को खुदकशी के तौर पर मन घट करके इसे दोबारा जमाना दे दी। राहुलिया अपनी नशरत के साथ सब्जी फरोशों के मसाइल को हल करने के लिए यह वादा करके वो मौजूदा कीमतों से ज़्यादा कीमतों पर इनके मसनूआत खरीदेंगे। अगरचे दुकानदारों की तरफ से इसकी तारीफ की जाती है लेकिन दत्ताराम इसे मुस्तरद करता है। जल्द ही राहुलिया नानिया के गैंग में एक अहम रुकन है। एक दिन पीतिया और दिया ने नानिया से शिकायत की कि वो राहुलिया के मास्टर जी की मलकियत वाली जमीन को जम करने में नाकाम रहे। राहुलिया अपना जाती स्कोर तय करता है और मास्टर जी को अपने खानदान के सामने गोली मारकर जमीन पर कब्जा कर लेता है। नानिया मास्टर जी के चचा को कत्ल के तौर पर पेश करके इसकी जमानत देता है। राहुलिया को इसके खानदान ने मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इसे अपने घर से निकाल दिए है। अगरचे मुंडा को राहुल से डर लगता है लेकिन वो मानती है कि वो बेकसूर है। एक दिन नानिया ने राहुलिया को अपनी सालगिरह की तकरीब में मदऊ किया। एक मोड़ में राहुलिया ने इसे उस रात कत्ल कर दिया ये मानते हुए कि इसने अपनी माँ और बहन को जिनसी तौर पर पेशगोई की है। एस आई रजवेर सिंह कत्ल का गवाह है। जिस्मानी झगड़े के बाद राहुलिया को सलाखों के पीछे डाल देता है। कई महीनों के बाद वो जमानत पर बाहर आता है। राहुलिया अब शहर का गैंगस्टर है और हर कोई इससे डरता है। एक रात एक परीटीन एजर सरदार उर्फ सिद्धू राहुलिया से मदद के लिए मिलने आता है। राहुलिया ने इसे अपने भाई के तौर पर गोद लिया। दरअसना रजवेर राहुलिया के खानदान इन पर तरस खाता है और कानून के हाथ में लेने पर राहुलिया को संगीन नतीज से खबरदार करता है लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। रजवेर ने अब गैंगस्टर की किस्मत अपने ऊपर छोड़ने का फैसला किया ये जानते हुए कि एक दिन एक दूसरे से गैंग को मारने पर सिर्फ एक ही पीछे रह जाएगा। वह गैंग के दोनों अरकान को एक दूसरे के इल्म में लाए बगैर कत्ल करके बैन गैंग दुश्मनी को मजीद तेज करता है। राहुलिया अगरचे एक अमीर आदमी खुद को तनहा महसूस करता है। जैसे ही वो बाजार जाता है दत्ताराम इसे हकीर समझता है। मुंडा के वालिद मुफीतो भी राहुलिया पर चीखते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी इससे कभी नहीं करेंगे। गुस्से में राहुलिया ने इसे मारा। मुंडा फिर राहुलिया को मारता है और इसके साथ टूट जाता है। राहुलिया और भी खौफनाक गुंडा बन जाता है और वो भत्ताखोरी शुरू कर देता है। बहुत से लोगों की जमीन पर कब्जा कर लेता है। वो दत्ताराम की जमीन पर नजरें फेर लेता है और शंडे को मार कर अपना बदला लेता है। एक पर जोश राहुलिया ने दम दत्ताराम को खबर शेर की लेकिन राहुलिया के जबरदस्ती तरीकों की वजह से वो हमेशा की तरह खुश नहीं है। जमीन की एक बस्ती के दौरान वो एक खुशपुन खानदान से मिलता है जहां बाप को अपने बेटों की कामयाबी पर फख्र होता है। ये सुनने के बाद राहुलिया का अब दिल बदल गया है। जैसे ही वो बाजार में वापस आता है दत्ताराम से मिलता है और उसे अपने साथ आने को कहता है और वो सियासत में शामिल हो जाता है। दत्ताराम का कहना है कि इसके पास अपने तरीके सवारने के बहुत से मौके थे लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। जैसे ही राहुलिया जाने वाला है मकामी MLA को राहुलिया के सियासत में शामिल होने की इतला मिली और पितिया और दिया को राहुलिया को कत्ल करने का मशवरा दिया।
वनैका चितरती के दिन रजवेर ने एमएलए को इनकोटर करके मार डाला और दोनों ने इसे कत्ल करने के लिए पुणे की सड़कों पर रोहलिया का पीछा किया। रोहलिया ने जल्दी से सुद्धू को फोन किया और इनसे सबको मुतला करने को कहा। सुद्धू और रोहलिया बाजार पहुंच गए। दर इसने दत्ता राम भी कॉल करके राजुवेर को वाकया से आगाह करता है और वो बाजार में पहुंच जाता है। रोहलिया अब छुप कर बाहर आती है और वो दोनों दिया इतिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी, इससे वो हलाक हो गया। इसने दोनों दिया इतिया जोड़ी का सामना करते हैं। जैसे ही दोनों को पकड़ लिया गया, रोहलिया ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। सुद्धू ने अपनी बंदूक निकाली और रोहलिया को गोली मार दी, जिससे वो हलाक हो गया। इसने इनकशाफ किया कि वो मास्टर जी का पोता है और इसने बाजार में रोहलिया को कत्ल करके अपनी मरती हुई माँ से अपनी मौत का बदला लेने का वादा किया था। इसके बाद रजुवेर का मुकाबला होता है और इतिया दिया को मार डालता है। जैसे ही रोहलिया की लाश आखिरी सुम होने वाला है, हर कोई रोता है और दत्ताराम भी दिली से हंसता है, क्योंकि इसे कम से कम एक बार मुस्कुराने के लिए रोहलिया के अल्फाज याद दिलाए जाते हैं। जैसे ही रजुवेर चलाया जाता है, वो सोचता है कि रोहलिया को 300 एकड़ के मालिक होने के बावजूद सिर्फ 6 फुट ज़मीन की ज़रूरत। और दोस्तों, इस फिल्म को इसने डायरेक्ट किया है, उनका नाम है महेश, ओके, महेश मंजर जी कर, एंड इसको राइटर जो है ना वो डायरेक्ट उन्होंने किया और राइटर भी उन्होंने किया, लेकिन इसका साथ दे रहे हैं अभी जीत और इसके साथ दे रहे हैं सिद्धार्थ सलवी। इसमें जो स्टोरी जो है ना वो इस मूवी की जो स्टोरी है वो है परवीन ट्रेड की, बेस्ड ऑन बुलशी, एंड इसके साथ बुलशी पैटर्न बाय परवीन ट्रेड, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, और इसमें जो है ना सलमान खान मेरे घर में आपको नजर आएंगे, आयुष शर्मा, महिमा मखवाना, एंड इसके साथ जिशु, एंड इसके साथ वेल विल युषा डी सोजा। सिनेमाग्राफी जो है ना वो जिन्होंने की है वो है जी करण बी रावत, एडिट बाय बुंते नागी, म्यूजिक बाय रावी बुसरोर, एंड इसके साथ हितेश मद्दाक, प्रोडक्शन कंपनी सलमान खान, फिल्म डिस्ट्रीब्यूट बाय जी स्टूडियोस, रिलीज डेट इसकी 26 नवंबर 2021 की है और उसके रनिंग टाइम 135 मिनट का है। कंट्री इसकी इंडिया है, लैंग्वेज इसकी हिंदी है। इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 40 करोड़ की लागत आई और इसने बॉक्स ऑफिस पर कोई 60 करोड़ का बिजनेस भी किया।